Evening everyone, welcome to the YouTube channel of Pratham JSPEP. I'm Ema Chaudhary and welcome you all to the BMS special marathon session of general awareness. I hope you all are doing good. A very good evening everyone. Good evening. Hi everyone. Hi Aditya. Hi Aditya. Hello everyone. I can't call out everyone's name here. A very good evening. Good evening. Charlie Harry, you should wait and watch catch class mein kya kya hoga. Right, I'm very good. I hope you all are doing great. Thank you, Tanvi. Hi, everyone. Yes, Vita Krishna, we'll talk about each and everything. So let me just quickly start sharing the PPT, right, so that we can discuss so many things in today's session. Abhi tak bache, I'm sure ki aap logon ne kafi kuch padh liya hoga. Bahut sare mocks aap de chuke honge. Now, jo aapka bacha hua time hai, it is nothing but the time to do the last minute revision and to plan for the strategy on how to attempt the paper. Kya paper kaise attempt karne wale hain, right? Aapki main strategy usi ko leke hogi. Now when we talk about BUET, or which was earlier known as BUJAT, right? So this is an entrance exam for three courses, which is BMS, BFAA and BBA in the colleges of University of Delhi. And aaj ki session mein hamara main फोकस होगा किस पे, जनरल अवेयरनेस सेशन पे, हाउ टू टैकल द जनरल अवेयरनेस सेशन इन डीयूईटी 2021. तो बच्चे इसी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की. यस याशिका, एडमिट कार्ड आ चुका है, लिंक भी आपको पता होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए. राइट, नो नॉट टुडे बच्चे, नॉट टुडे. यस बेटा, एडमिट कार्ड आ चुका है. मैम ज्योग्राफी स्किप करने का सोचो, शुड आई फिर डू करके चला जाऊं? हैरी, यू कैन डू द क्लास नोट्स वेरी क्विकली एंड देन फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर हैंड आउट, दैट विल बी सफिशिएंट बिकॉज इट्स नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट वी कांट से क्योंकि कभी आ जाता है कभी नहीं भी आता. राइट, सो इफ वी टॉक अबाउट नाउ द एग्जाम पैटर्न, आई होप इससे पहले बहुत बार आपको पता होगा, पहले भी डिस्कशन हो चुका है दैट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस के किस फॉर्मेट में आते हैं, सो देयर आर शफल्ड क्वेश्चंस व्हिच मींस नो सेक्शन वाइज डिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस, देयर कैन बी मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड कैन बी योर लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड कैन बी जनरल अवेयरनेस, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस कैन बी वर्बल एबिलिटी, द नेक्स्ट थ्री कैन बी जीएन, समथिंग लाइक दैट. पॉइंट इज व्हिच सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, द फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस व्हिच इंक्लूड्स योर करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस एंड स्टार्टिंग जीके, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज आई हैव seen so many of you that what you do, aap ye sochte ho ki agar mujhe 80 questions aate hain I should increase my number of attempts, but you should not do that because remember the marking scheme, you will get plus 4 one for one right answer, but you will get minus 1 for one wrong answer also, and trust me this one mark can make you और इट कैन ब्रेक योर स्कोर. एंड आपको ये सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज या आपका जो ड्रीम कॉलेज है फॉर योर ड्रीम कोर्स बीएमएस, बीएफआई एंड बीबी, उसमें एडमिशन लेने से रोक सकते हैं. सो स्मार्टली आप अटेम्प्ट करेंगे, आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो बच्चा यहाँ ये सोच रहा है कि अगर मुझे 70 to 75 क्वेश्चन आता था, आई कैन use my tukka power and I can do the guesswork for next 15 to 20 question, trust me that will be a blunder for you, right? Agar aapko smart guess karna hai, if you want to take chance, wo bhi aap kab lenge, then you are 80-20% aapka doubt ho, right? 80% sure ho, but thoda bahut slightly aapko doubt ho in few question, let's say max to max 5-6 questions. इससे ज्यादा चांस लेना मींस बच्चे आपका ऑब्वियस है, आप बच्चे नेगेटिव मार्किंग पे ट्रैक कर लो. राइट, सो बच्चे आपको अच्छे से करना है. नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन विच इज 120 मिनट्स, तो आपका टाइम मैनेजमेंट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड ट्रस्ट मी दिस सेक्शन कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं,
शिफ्ट वन जो उसकी थी बच्चे, उसमें देवर ओनली 10 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन एंड मोर देन 34 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन। आई होप यू ऑल विल एग्री के क्यूए के क्वेश्चन सॉल्व करना एंड बच्चे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइम की अगर हम बात करें, जमीन आसमान का फर्क, जहां आप 5 मिनट में 25 GA के क्वेश्चन कर सकते हो, वहां मैक्स टू मैक्स आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 7 to 8 क्वेश्चन कर सकते हो। ये भी मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ। तो अगर आपका फिर से वही पैटर्न आता है कि लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, राइट, तो आपको क्या करना है वहां पे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपना टाइम मैनेज इजिली वहां पे कर सको, राइट। सो बच्चे यही पे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, द वेटेज, राइट। नॉर्मली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, मैम व्हाट इज द आइडियल नंबर टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, right, for PU, JAT, or you can say let's say for BMS, BFIA or BBE. बच्चे आपको वेटेज क्लियर है किसका कितना, आप खुद से अपना आइडियल स्कोर निकाल सकते हो। लेट्स से अगर किस यहाँ पे वेटेज 65% ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एंड क्लास 12 स्कोर का है 35%, दैट मीन्स टोटल 100 हो गया। वी नो हमारा जो एग्जाम है दैट इज ऑफ 400 मार्क्स। व्हाट यू नीड टू डू इज आपका जो बच्चे क्लास 12 का स्कोर है उसकी परसेंटेज को आप बच्चे कन्वर्ट कर लो 35 में से आपका कितना बनता है। लेट्स से अगर किसी का 95% स्कोर है उसका बच्चे आप 35% निकालो कितना होता है, विल बी अराउंड 33.5 पॉइंट समथिंग, राइट, 33.5 समथिंग। तो आपको ये तो पता है कि 35 में से आपका ऑलरेडी 33.5 है। आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से एटलीस्ट 80+ स्कोर लेके आना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 400 में से कितना आप स्कोर कर पाओगे कि 65 में से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सको, तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग आप अपना आइडियल स्कोर निकाल सकते हो। ये हम पहले भी जो हमारे यूट्यूब सेशंस हुए हैं उसमें इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो इसी के साथ बच्चे इफ यू थिंक दैट वी गाइस आर हेल्पिंग यू इन यू नो डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम एंड यू नो प्लानिंग फॉर द strategy on how to attempt your paper and everything, what you need to do is just show your love and support by liking the video, subscribing the channel, right, sharing the video, and most important, don't forget to press the bell icon so that you can get notification of all the upcoming videos. Chaliye ab aage badhte hain bache, I can see there are few questions. Thank you so much for your lovely words, Pooja and other people, right. Yes bache, ओके, ओवरऑल क्या क्या कवर करेंगे बच्चे, विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी, विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एट द एंड विल डू मेंटी क्विज आल्सो, ठीक है। चलिए ओके परफेक्ट, व्हाट डू यू थिंक पैटर्न विल बी ऑफ लास्ट ईयर, देयर विल बी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट, देयर विल बी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्स ऑफ क्वेश्चन 25 25 25 25 का जो सेग्रीगेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन, आई डोंट थिंक इज दैट वी पैटर्न फॉलो होगा आपके माइंड में, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर 25-25 वाला पैटर्न आ जाए तो भी मैं आराम से अपना टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूं, अगर 30-20 30-20 वाला भी आ जाए तो भी मैं मैनेज कर पाऊं, लेट्स से 40-20 20-20 भी आ जाए तो भी मैनेज कर पाऊं। आपको पैटर्न से मतलब नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि यू गाइस आर वेल प्रिपेयर्ड एंड आपने अपने माइंड में एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि अगर क्यूए के 40 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तब भी मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूंगा, इसकी प्रैक्टिस कर ली है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द पैटर्न और द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, ओके नाउ जनरल अवेयरनेस सेक्शन में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। When we talk about general awareness, it will include strategy ke question, it will include current affairs questions, it will include business awareness question. आपका ये जो exam है ये NTA बनाता है, National Testing Agency, इसने बनाना start किया है 2018 से, that means अभी तक 3 साल में इसने paper conduct किया है। Now what you need to remember here is जब से NTA ने बनाना start किया है इनका main focus किस पे होता है, करंट अफेयर्स पे, बट दैट डजंट मीन कि हम स्ट्रेटजी के एंड बिजनेस अवेयरनेस को बिल्कुल भी बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दें, नो,
नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑल थ्री, राइट? बिजनेस अवेयरनेस में स्लाइटली फोकस आपका होना चाहिए ऑन द बिजनेस व्यूज एंड एवरीथिंग, एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड कंपनीज, उनसे रिलेटेड जो अदर इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द चेयरमैन, सीईओ एंड एमडी ऑफ दैट कंपनी, द चेयर, द पंच लाइन, द टैग लाइन, एंड अगर उसके किसी प्रोडक्ट या कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आपने अंकित सर के बीए सेशन अटेंड किए हैं, राइट, आई एम श्योर कि आप काफी सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, हाउ टू टॉक अबाउट अ बिजनेस न्यूज एंड हाउ कैन बी रिलेटेड टू द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व इन द न्यूज, राइट? करंट अफेयर्स हम इतना सारा कर चुके हैं अभी तक. वी हैव यू नो फ्रॉम द 1st January हर वीक में हमारे तीन तीन सेशन होते हैं जिसमें वी कवर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. इसके अलावा वी हैड सो मेनी क्लासेस, राइट? इसके अलावा वी हैव सो मेनी पीएमएस स्पेशल क्लासेस एंड ऑल. आई एम श्योर कि अगर आपने पूरा रिविजन किया है, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट. स्टैटिक जीके के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार जो है वो है आपके क्लास नोट्स. सो अगर आप प्रथम स्टूडेंट हैं, ट्रस्ट मी, क्लास नोट्स, जिसने क्लास नोट्स नहीं बनाए, रिविजन नोट्स इज योर वेपन टू क्रैक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके. अलोंग विद दैट हैंडआउट जरूर कर लेना, सेट ए सेट बी के क्वेश्चंस, जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग एंड इट विल बी डन. दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट विद अस, राइट? सो बच्चे आपको, अगर मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप अगर हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो परचेज कर सके तो आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी इन क्रैकिंग जनरल अवेयरनेस सेक्शन, विच इज द मेक और ब्रेक सेक्शन. नाउ व्हाई वी कॉल इट अ मेक और ब्रेक सेक्शन, आई टॉक अबाउट दिस, बट फर्स्ट लेट मी टेक योर डाउट्स हियर. आई कैन सी यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है, राइट? मैम, डज डिफरेंशिएट शिफ्ट एज डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल? साइकी, इफ वी टॉक अबाउट डिफिकल्टी लेवल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर है भी तो बच्चे नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है. पर ट्रस्ट मी, इनके जो दो शिफ्ट होती है उसके जो लेवल है बच्चे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, राइट? लास्ट मोमेंट पर बेसिक जीके एंड बिजनेस न्यूज से कैसे क्या रिवाइज करना है, आई टेल यू. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, बताया डिस्कस किया, आप लास्ट मिनट क्या रिविजन कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे. बुक्स एंड ऑथर्स, बच्चे मैंने आपको क्लास में भी पॉइंट बताए थे, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, अगर उन्होंने बुक लिखी है रिसेंट टाइम में, रिमेम्बर द नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी की बुक लिखी गई है तो आप याद रख सकते हैं. क्लियर है? इम्पॉर्टेंट है कि यह ओनली बिजनेस न्यूज. बच्चे बी ए सेशन जो है उसका मैंने आपको पहले भी बताया था, द पीपीटीज दैट हैव बीन यूज्ड इन द बी ए सेशन, उसका एक पीडीएफ डॉक बना के हमने आपके PSIS में अपलोड कर दिया अंडर द DMS स्पेशल हैंडआउट स्टैंड रिगार्डिंग मैथ्स. यस बच्चे, मैथ्स के लिए भी होगा. यस प्रिया, ओके, कौन से शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल एंड टाइम मैनेजमेंट वाइज ज्यादा थी? बेटा अगर हम बात करें, एज सच बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था, राइट? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेजर डिफरेंस नहीं होता है, स्लाइट डिफरेंस तो होगा बट मेजर डिफरेंस नहीं होता है इन दी डिफिकल्टी लेवल एंड ऑल. What to do? Vamshi, just revise the revision notes which are there on your PSIS account. Important topic concepts. First, as such, कोई important topics नहीं होते static GK में. 1 year they ask you questions from general science and geography. Another year they can ask you questions from history and constitution. And another year they can ask you questions from all 5 subjects like eco, science, history and all. So, you need to prepare for all the topics, right? एडमिट कार्ड बच्चे आपका लिंक आपको शेयर किया गया होगा, आप बच्चे साइट पे भी जाके देख सकते हैं, एनटीए साइट पे. लास्ट डेज बच्चे, जस्ट रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो हमने सीए की क्लासेस की हैं, करंट अफेयर्स क्लासेस, वो कर लीजिए. डोंट वरी, आई विल टेल यू एट द एंड क्या क्या रिवाइज करना है. यस बेटा, कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, राइट? अंकित सर इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन विद योर डाउट्स एंड एवरीथिंग. श्योर बेटा, याशिका विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो. सेप्टेम्बर मिड तक तो एटलीस्ट आपको कवर करना ही है बेटा. नमन एंड हैरी बच्चे, ऑलरेडी अपलोडेड है यश, जहाँ पे आपके हैंड आउट अपलोडेड है वहीं पे आपके आंसर्स भी अपलोडेड है. चलिए स्टार्ट करवाते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन है. करिए सी क्लास,
चिराग क्वेश्चनेयर करने का भी टाइम नहीं है. फर्स्ट डू द सीए क्लास एंड देन इट इज टू द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स टेस्ट दैट आई हैव बीन अपलोडेड फॉर एवरी मंथ एंड इफ यू गेट टाइम देन बच्चे एटलीस्ट 2021 के क्वेश्चनेयर्स कर लीजिए. चलिए नाउ आई थिंक आई हैव इट रिजॉल्व द डाउट. नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट मेक और ब्रेक सेक्शन बिकॉज़ सबसे कम टाइम में यू कैन सेव योर मैक्सिमम मार्क्स. अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. आपको अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं ट्रस्ट मी, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, 10 क्वेश्चंस आए एंड 10 में से यू नो द आंसर्स ऑफ 8 क्वेश्चंस. 8 क्वेश्चंस का आंसर देने में यू विल नॉट टेक मोर देन 3 to 4 मिनट्स. ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट वही पे मार्किंग स्कीम तो सबकी इक्वल है. 8 मार्क्स अगर आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, 8 into 4 आपका स्कोर डन है. वही 8 क्वेश्चंस ऑफ QA, 8 क्वेश्चंस ऑफ LR, 8 क्वेश्चंस ऑफ BA कैन टेक मोर टाइम देन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस. दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज योर मेक और ब्रेक सेक्शन. एंड ट्रस्ट मी, जिस बच्चे का जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है उसकी रैंक अपने आप आती है. जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए उसका अपने आप क्लियर हो जाएगा. बट कंडीशन एक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ GA स्ट्रांग होगा बाकी 3 में बिल्कुल डब्बा गोल है तो हो जाएगा. नो, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा सब में, राइट. ओलंपिक से देयर कैन बी वन क्वेश्चन बेटा, बहुत सारे तो नहीं हो सकते, पर एक क्वेश्चन हो ही जाएगा. नाउ अब जो बार बार आप पूछ रहे हैं मैम लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करें, सो करंट अफेयर्स के लिए द टाइम पीरियड दैट यू नीड टू कवर फॉर श्योर, राइट, जिसको आप मिस नहीं कर सकते, दैट इज सेप्टेम्बर 2020 to September 2021. And to be on the safer side, अगर आप most important news of July and August भी देख लेते हैं तो बहुत सही है. अदरवाइज अगर ये नहीं कर रहे हो at least cover September 2022, September 2021. And the least that you need to do in these 3 to 4 years जो आपको revise करने हैं, if you are a Pratham student तो आप कर सकते हो CA handoff which is CA 1 to CA 6, more important, BMS special CA handouts, BMS special GA handouts. Third, what you need to do is, you need to do the monthly questionnaire, at least from October 2020, September, if quick reading bhi karoge to chalega, to August 2021, write an important news of September. Important news of September 2021. Next, iske alawa, if you are not able to revise all the questionnaire, then you can revise the current affairs from your current affairs test. We have uploaded 2 tests for every month. Right? So, per test, we have 60 questions. So, you are revising 120 questions for 1 month, and these questions are the most important questions. At least you need to do these things in the current affairs. Is that clear? बच्चे BMS special आपका class handout में जाएंगे, आपका बच्चे set A में जाएंगे, तो BMS special का एक tab है, you will click on that, आपको GA का tab दिखेगा, you will get the handout from there. बेटा Joy, you can do the CA test. Joy, you can do the CA test questions. ज्यादा टाइम नहीं है, CA test questions कर लीजिए. यस बच्चे सेम है जिज्ञासा आपका, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे होता है बेटा, ठीक है. बस ये है कि आपका BMMC में स्लाइटली ज्यादा फोकस आपका थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटजी के आ जाता है. बच्चे डोंट वरी चिराग, सितंबर 2021 के लिए आज इवनिंग तक आपके लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा जहां से यू कैन रिवाइज ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ सितंबर 2021. बेटा इट इज देयर इन द करंट अफेयर्स टैब, CA टेस्ट माना, it is there in the current affairs test. Yes, Kashyas, it is important to have maths as your subject in class 12 to calculate your best score percentage. One question you can expect, beta. Chali, aage badhte hain. Now, static GK mein, you have history, geography, economy, Indian polity, general science and miscellaneous GK including international organization, awards and honors, sports, books and authors, static info. क्या करना है mainly? Class notes. Last moment पे क्या कर सकते हैं वो बता रही हूँ. Class notes,
एंड हैंड आउट, राइट? यू नीड टू डू दीज. बच्चे मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको बता रही हूँ, क्या कर सकते हो, क्लास नोट्स एंड हैंड आउट. क्लियर है बेटा? नहीं नहीं बच्चे, आई टेल यू अर्पण की कहाँ अपलोड होगा, पीआई पे आई टेल यू आप कहाँ वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा. राइट नाउ नेक्स्ट, बिजनेस अवेयरनेस की अगर हम बात करें, द टॉपिक्स रीसेंट बीएनसीए अपडेट रखा है मैंने अभी तक, विल इट बी हेल्पफुल? यस बच्चे, नाउ यू कैन स्टॉप वॉचिंग इट, क्योंकि 20 सेकेंड तक आपने देख ही लिया है. स्टार्ट रिवाइजिंग दी प्रीवियस नोट्स एंड एवरीथिंग. बच्चे एटलीस्ट 20th सितंबर तक कर लिया तो आई थिंक दैट विल बी फाइन. अगर नेक्स्ट 4-5 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है देन यू कैन फोकस, अदरवाइज 20th सितंबर तक इट विल बी फाइन. ठीक है? नाउ बिजनेस अवेयरनेस में देयर कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रांड्स, पंच लाइंस, टर्मिनोलॉजीज, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट एंड कंपनीज एंड देयर बिजनेस लीडर्स, चेयरमैन, सीईओ, एमडीज, मेनली न्यूली अपॉइंटेड वन. ठीक है? ब्रांड एंबेसडर्स, मेनली न्यूली अपॉइंटेड वन. ठीक है? न्यू कार्स दैट हैव बीन लॉन्च, कार्स एंड देयर कंपनीज आपको जरूर याद होने चाहिए. इंटरनेशनल कंपनीज, स्पेशली दोज कंपनीज इन विच इंडियन पीपल आर एसोसिएटेड, यू नीड टू फोकस ऑन दोज. अदरवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कंपनीज, दोज कंपनीज विच आर इन न्यूज नाउअडेज, राइट? उनके बिजनेस लीडर्स, देन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशन कहाँ से कवर करना है या रिवाइज करना है. फर्स्ट इज बीए हैंडआउट्स, BA 1, 2, 3, 4, इनमें जो बचे थ्योरी एंड क्वेश्चंस हैं, जरूर करोगे, यू विल नॉट मिस द क्वेश्चंस कवर्ड इन द हैंडआउट्स. एंड सेकंड, जो हमारे जो बिजनेस अवेयरनेस के यूट्यूब सेशंस हुए हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट हमने अगस्त तक के जो हुए हैं मेनली, उनका एक डॉक्यूमेंट हमने BA न्यूज 2021 के नाम से अपलोड किया है ऑन PSIS. इस डॉक्यूमेंट का एक क्विक रीडिंग, तो अभी तक आई एम श्योर आपको क्लियर है करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है फॉर योर रिवीजन, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है फॉर योर रिवीजन फॉर स्टार्टिंग जीके, बिजनेस अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है फॉर योर रिवीजन. नई मेजर ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सारे सेशन दोबारा देखो, क्विक रिविजन करना है बच्चे. दिस PDF फाइल इज देयर फॉर योर ऑल योर सेशंस, काइंड ऑफ नोट्स हैं, आप ये एक बार क्विक रीडिंग कर लेना. बच्चे एरन वो तभी आ सकते हैं जब एक रिसेंटली न्यूज में हो, रिसेंटली उनके चेयरमैन सीईओ चेंज हुए हो एंड वो कंपनी न्यूज में हो, राइट? शुड आई रिवाइज दीज फॉर डू जुलाई ऑनवर्ड? वरुण फर्स्ट क्विकली रिवाइज जनवरी टू जून विद द हेल्प ऑफ द करंट अफेयर्स टेस्ट, देन डू द जुलाई एंड ऑगस्ट वाला पार्ट. बच्चे अंडर BMS स्पेशल हैंडआउट, दिस इज अंडर योर BMS स्पेशल हैंडआउट. चलिए नाउ विल डिस्कस फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने क्लास में किए होंगे या टेस्ट में देखे होंगे या मॉक्स में देखे होंगे या फिर कुछ नए भी होंगे, तो बच्चे उसके नोट लिखते रहना. विल डू द क्वेश्चंस वेरी क्विकली एंड आफ्टर दैट एट द एंड वी विल डू अ मेंटी क्विज फॉर अ क्विक रिवीजन. स्टार्ट करें. यस, इफ आई हैव अटेंडेड अक्षित सर्स और क्लास, कैन आई नीड टू फर्दर लुक आउट और अपलोडेड मटेरियल प्लस नोट्स भी बनाए? नो नमन, देन आप सिर्फ अपने हैंडआउट्स एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, राइट? एंड दोस कंपनीज विच आर इन न्यूज एक बार देख लेना कि आपको उनके ब्रांड एम्बेसडर्स एंड पंचलाइंस का पता हो, राइट? नमन का डाउट सॉल्व, मैम सीए हैंडआउट, जीए रिवीजन नोट्स, सेट ए, सेट बी, बीए हैंडआउट, बीएमएस स्पेशल, सीए टेस्ट. यस, इतना ही कर पाओगे बच्चे बच्चे हुए दिनों में. एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव वन मॉक पर डे, एटलीस्ट वन मॉक तो आपको देना ही है. एंड ट्राई टू गिव योर मॉक बिटवीन द टाइमिंग ऑफ 12 to 7, राइट? चले आए, आई हैव कंप्लीटेड ऑल योर यूट्यूब सेशंस फ्रॉम जनवरी, मेक नोट्स, रिवाइज देम थ्राइस, सीए बीएमएस स्पेशल आर्यन, देन फॉर योर प्रॉपर रिवीजन गिव योर सीए टेस्ट. बच्चे चलेगा बट देखो अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं. चलिए तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं. बच्चे वही 25-25 का तो सेग्रीगेशन था ही, लास्ट ईयर 10 एक शिफ्ट में आए थे, दूसरी शिफ्ट में 12 थे, तो इस बार भी बच्चे 10-15-20 तो आ ही जाएंगे, राइट? चलिए जी, पहला क्वेश्चन जी आशिका. नाउ बच्चे आई होप सबने हैंड आउट डाउनलोड कर लिया, आपको ऊपर बच्चे चैट के ऊपर एक बच्चे बॉक्स दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दैट, लिंक दिख रहा है आपको, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड डाउनलोड द हैंड आउट.
चलिए नाउ फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फोकस ऑन द क्वेश्चंस नाउ. हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन एथलेटिक्स एज टोक्यो ओलंपिक्स 2020. क्या है बेटा आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, क्या है बेटा आंसर? नीरज चोपड़ा. बच्चे रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? Associated with which sports? Aaron Bache, I'll answer that question first. We'll discuss the questions and everything. Javelin throw. Can you tell me, Bache, kitna throw tha? Bache, can you tell me kitne ka record banaya kya tha? The meter. Bache, seeming it's not Prem Chopra. It's Neeraj Chopra. It's student likh raha hai, see Prem Chopra. Javelin throw, yes, 87.58 meter, right? 87.58 meters in javelin throw, right? Ye zarur aap yaad rakhenge. Javelin throw 87.58 meters. Chaliye, very good. Next dekhte hain. Okay, according to the Digital Evolution Scorecard 2020, right? What is the India's ranking in the category of breakout economies? Pehle to ye samjho, what exactly is the ब्रेकआउट इकोनॉमीज होती क्या है? राइट, ब्रेकआउट इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज व्हिच आर डिजिटाइजिंग देयर कंपनीज एट अ वेरी फास्ट पेस बट स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो टू कम्पीट और टू स्टिल मैच विद द ग्रोन कंपनीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज एंड सिंगापुर एक्सेट्रा. सो ब्रेकआउट इकोनॉमीज में इंडिया की रैंक क्या है बेटा? Right, the answer is 4. Yes, bache, that's not in my hand. That's not in my hand. Right, slow mode off karna. Just a second. Okay, ma'am, ye handout download nahi ho raha. Please PI pe bhej dena. Bache, hum upload bhi karwa denge, but aap abhi yahan se, theek hai, download kar lijiye. Now, बच्चे आपको ये तो पता चल गया कि इंडिया की रैंक क्या है. सो इंडियाज रैंक इज 4. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी रैंकिंग पे क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, इंडिया की रैंक एंड उसी के साथ टॉप रैंक कंट्री भी देखनी है. तो बच्चे इसमें फर्स्ट रैंक किस कंट्री की थी? एनी आइडिया? बच्चे ब्रेकआउट इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती है, वो कंट्रीज होती है जो अपनी कंट्रीज को फास्ट पेस पे डिजिटाइजेशन कर रही होती है, बट वो अभी भी काफी पीछे हैं उन कंट्रीज से जो ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड कंट्रीज हैं, राइट? उनसे कंपीट करने के लिए, उनको मैच करने के लिए देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो. ब्रेकआउट इकोनॉमीज दे आर ट्राइंग हार्ड टू डिजिटाइज देम बट देयर इज स्टिल अ लॉट टू ग्रो, राइट? सो बच्चे इंडिया की रैंक इसमें क्या है? अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट कंट्री इसमें कौन सी है? चाइना. नो, इट्स नॉट साउथ कोरिया बच्चे, इट्स चाइना बेटा. हम यहाँ पे डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखना. अकॉर्डिंग टू हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020, क्लियर है बेटा? स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं. विल सी बच्चे विधि, उसके क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर दिए. विधि, आपका उस वाली क्लास के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए आगे बढ़े. रिलीज बाय बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है? ये इसी की है बच्चे, डिजिटल एवोल्यूशन की. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पब्लिशेस द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट. बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, आपसे किसी रिपोर्ट को रेफरेंस देके ये पूछा जाए कि कौन रिलीज करता है. ओके, आई कैन सी यहाँ पे मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं IMF, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वर्ल्ड बैंक. एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. क्लियर है बेटा? चलिए मुझे ये बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? बच्चे मिक्स है मुकुल, इसमें इसमें मिक्स है बेटा. हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC. हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक?
हाँ जी बच्चे, हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, जल्दी से बताइए। हेड, और यू कैन से प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। हमने ऑलरेडी बहुत बार इसको किया हुआ है, तो आई होप यू ऑल नो द आंसर। यस, क्या है आंसर? डेविड मालपास, राइट? क्लियर, ग्रेट। आगे बढ़े, दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन। आई डू अ रैपिड फायर राउंड आल्सो इन बिटवीन द क्वेश्चंस, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो, आईएमएम का नहीं है बच्चे। चलिए नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विल सी द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। द फोर्थ क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क, राइट? ये किसने रिलीज किया था? विच इज हाईलाइटिंग द वाटर क्राइसिस इन द कमिंग इयर्स, एंड विच हैज स्टेटेड दैट बाय 2050 मोस्ट ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड विल फेस द वाटर क्राइसिस। क्या है आंसर? And they have also highlighted the issues related to the large dams, right? जो कि पहले बन चुके हैं, aging water infrastructure, ये किसको refer कर रहा है? To all the large dams that have been constructed during 20th century, right? Answer क्या है? बहुत बिल फिर से mixed answers आ रहे हैं। Correct answer is United Nation, right? Correct answer is United Nation. बच्चे जो आपको first look में लगेगा क्योंकि this is the answer. चांसेस होते हैं कि वो आंसर नहीं होता। जैसे अगर आपको किसी आंसर के बारे में नहीं पता, राइट, एंड आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है इसका आंसर शायद ये हो सकता है, जरूरी नहीं है वो आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर एसोसिएशन लिखा था। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर डी, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए बेटा, अकॉर्डिंग टू यूएनसीटीएडी रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर, लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई व्हिच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2020, क्या है बेटा आंसर? वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, राइट, व्हिच इज व्हाट? चाइना। चलिए इसके साथ बच्चे मुझे ये बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीटीएडी? एंड बच्चे चाइना ने पहले ये बताओ, China replaced which country to be at the top, largest recipient of FDI in 2020? China ने किसको replace किया है? China replaced United States. क्या है answer? China replaced United States. Very good. I can see the correct answers coming. Very good. Now, what is the full form of UNCTAD and where is the हेडक्वार्टर ऑफ UNCTAD? तो बच्चे UNCTAD इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट? आई एम राइटिंग इट हियर, इट्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट्स लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। So I hope all the points are clear here. Very good. Yes. Yes, Naman. Very good, Vrinda. Perfect. Guys, can we move on to the next question? We'll do 15 to 20 questions. Then we'll do a quick rapid fire in which I'll include your business awareness questions also, static GK question also. Then we'll do next questions. Then we'll have one more round of rapid fire. And at the end of the session, in the last 1 hour, we will be having our mentee quiz. Right? चलिए परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, मेंटी क्विज होगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द इंडेक्स? क्या है बेटा रैंकिंग इसकी? यस करेक्ट, रैंक इंडियाज रैंकिंग इज 7। तो बच्चे क्लाइमेट रिस्क पे कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा है उस पे है आंसर। तो बच्चे इंडियाज रैंक इज 7 इन दिस, एंड बच्चे टॉप रैंक कंट्री, जो टॉप बच्चे हाईएस्ट क्लाइमेट रिस्क जिस पे है वो कौन सी है? एनी आइडिया? कैन यू टेल मी हाईएस्ट और टॉप रैंक?
बताइए बेटा। तो बच्चे ये कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय, एनी आइडिया कौन करता है बच्चे? जर्मन वॉच, आपने नाम सुना होगा राइट। सो बच्चे ये जर्मन वॉच करता है बेसिकली इसको रिलीज, जर्मन वॉच ईवी, यू कैन रिमेम्बर जर्मन वॉच। एंड टॉप कंट्रीज जो इसमें बच्चे, दैट इज मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे मेनली, ठीक है, एंड ऑल्सो बहामास। इस पे क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस कम होते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, सो बच्चे इट्स एन एनवायरमेंटल थिंक टैंक, बॉर्न जर्मनी वेज, राइट। चलिए, यस मानसी, यस नमन, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आई कैन सी ऑल ऑफ यू हैव गिवन दी मुजाम समथिंग। ओके उदय, तो जितने आंसर किए मुजाम समथिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। दीज आर दी आप कह सकते हो हाईली पोटेंशियल क्लाइमेट रिस्क कंट्रीज, राइट, जो कि हाईएस्ट रिस्क पे है बेटा। फर्स्ट पे ये है, देन स्लाइटली बच्चे जिम्बाब्वे एंड बहामास आल्सो। ओके निकिता, जल्दी से लिख लीजिए बच्चे, सो दैट वी कैन कवर मोर एंड मोर क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यू हैव ऑल दीज क्वेश्चन इन द हैंड आउट, यू कैन डाउनलोड दी हैंड आउट, इट विल बी इजी फॉर यू। आपसे फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखते रहिए, पूरा पूरा क्वेश्चन करने की नहीं बच्चे, करने की जरूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन दी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। ये तो आपने बच्चे कई बार हैंड आउट में, मॉक्स में भी देखा होगा, Which is released by Transparency International. ये तो रटा हुआ है सबको। India's rank is 86, right? Released by Transparency International. Which is the top rank country? Very good, बच्चे top rank country, very good मनन। It's Denmark and New Zealand. Or you can write New Zealand and Denmark. ये दोनों ही top पे है। Corruption perception का क्या मतलब है? अगर डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड टॉप पे है, दैट मीन्स यहाँ सबसे कम है, राइट। तो बच्चे ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसी पे फोकस करोगे, राइट। प्लीज स्विच स्लो मोड, आई रिक्वेस्ट द टीम टू रिमूव द स्लो मोड इफ इट इज पॉसिबल टू डू इट नाउ। ओके बच्चे, आई हैव रिक्वेस्टेड टू द टीम, डोंट वरी, विल सी अगर हो पाते हैं नहीं दीज क्वेश्चंस। नो नो बच्चे, दीसी व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड बिजनेस अवेयरनेस, एनी क्वेश्चन कैन कम, बिकॉज एवरी ईयर दे फोकस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो वी कांट अज्यूम एग्जैक्टली, बट यस वी एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स, एंड बच्चे उसमें जो हायर चांसेस वाले क्वेश्चन होते हैं वही आपका करंट अफेयर्स हैंड आउट, बीएमएस स्पेशल हैंड आउट, एंड बच्चे जो सेशंस होते हैं उसमें करवाया जाता है। तो इसके अलावा मैराथन सेशन के अलावा बीएमएस स्पेशल, करंट अफेयर्स एंड आउट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विल सी बच्चे, देखते हैं कितने आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, दिस इज फॉर योर रिवीजन, दीज आर नॉट दी राइट, दीज आर नॉट दोस क्वेश्चंस व्हिच हैव द मोस्ट चांस और होगा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू कम, राइट। चलिए, एट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप दी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। बताइए किसने टॉप किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 को। सबसे ज्यादा जस्टिस की अगर हम बात करें कहाँ पे डिलीवर हुआ है, यस इट्स इन महाराष्ट्र, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सो जिसमें कुछ अदर पॉइंट्स नहीं है बच्चे, मैं आगे जल्दी से क्विकली करूंगी, सो दैट वी कैन कवर मोस्ट क्वेश्चन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? इट इज रिलेटेड टू पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज दी बेस्ट गवर्न स्टेट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, राइट। सो बच्चे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात करें तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है क्या। तो बच्चे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसको रिलीज करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ये एनुअल रैंकिंग आती है बच्चे। इट बेसिकली मेजर्स द क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस राइट एट द स्टेट लेवल, राइट, जिसमें वो मेनली क्या क्या देखते हैं बच्चे, बेसिकली वो यूज करते हैं अराउंड 50 इंडिकेटर्स, राइट, जिसमें कि आपका मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखा जाता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
goals. So it maps the indicators right to the sustainable development goal relevant to Indian state. ठीक है, इसकी अगर हम बात करें केरला, yes आप लोगों ने जो आंसर दिया that is correct. ठीक है, केरला जो है बच्चे, केरला रैंक फर्स्ट अमंग दी लार्ज स्टेट्स. बच्चे अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करें, लार्ज स्टेट में टॉप पे कौन है? केरला. ठीक है, स्मॉल स्टेट्स में कौन है बेटा? गोवा रैंक फर्स्ट, ये लिख लेना, गोवा रैंक फर्स्ट अमंग दी स्मॉल स्टेट्स. ठीक है, एंड चंडीगढ़, ये भी लिख लेना, रैंक फर्स्ट अमंग यूनियन टेरिटरी. राइट, तो ये जरूर आप याद रखेंगे. ठीक है, क्या है बेटा? नाउ वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं? ये तो थे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं वो देखना है. राइट, तो यस मैम, इफ दे आर, इफ दे आल्सो गिव गोवा एंड तमिलनाडु इन ऑप्शंस, देन बच्चे आपका आंसर केरला होगा. क्योंकि अगर बेस्ट गवर्न पूछा गया है तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बच्चे केरला होगा. स्पेसिफाई किया गया है स्मॉल स्टेट्स में तो गोवा होगा. राइट, तो बच्चे वर्स्ट स्टेट की बात करें तो अगर आप बिहार एंड यूपी बच्चे दोनों को कंपेयर करोगे, इस बार बच्चे ज्यादा, लास्ट ईयर बिहार था, इस बार उत्तर प्रदेश एंड बिहार बोथ है, बट यूपी एक बच्चे एक पॉइंट से थोड़ा आ गया. तो ये लार्ज स्टेट में यूपी इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स. अमंग द स्मॉल स्टेट्स द आंसर इज मणिपुर. ये स्मॉल स्टेट में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है. राइट, एंड यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, दैट इज दादरा एंड नगर हवेली. ये यूटीज में है, तो बच्चे ये एडिशनल पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. तो इसमें बच्चे बेसिकली आपका इक्विटी ग्रोथ, राइट, जैसे केरला के साथ साथ तमिलनाडु जो है वो भी है बच्चे, बट टॉप पे अगर देखेंगे तो आपका बच्चे आता है केरला. ठीक है, तो बच्चे बेस्ट परफॉर्मिंग के साथ साथ यू नीड टू रिमेम्बर दी वर्स्ट परफॉर्मिंग ऑल्सो. यस यस बेटा, क्लियर है? क्लियर है उत्तर यहाँ तक बच्चे? वर्स्ट पे भी पूछा जा सकता है. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा. बच्चे आप पूछो, मैम सीएम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेटा फरवरी 2021 में जिसको मिला था वो थे चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी, जिनको स्कॉच ग्रुप का बच्चे सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था. ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बीच में मिक्स मत करो. चलिए आगे बढ़े. यस बच्चे, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर सके. नाउ टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, हमारा टेंथ क्वेश्चन क्या है. नाउ इट सेज दैट यूनियन मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद, बच्चे ये पहले था, ये आपका फरवरी का क्वेश्चन होगा, लॉन्च्ड अ विजुअल इंटेलिजेंस टूल जिसका क्या नाम है, ई ऑक्शन इंडिया, विच इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल एनआईसी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. इट रोल आउट की सिल्वर जुबली ई ब्रोशर ऑफ NICSI recently. आपका मेन क्वेश्चन क्या है? What is the name of the visual intelligence tool? Yes, क्या है आंसर बेटा? तेजस. Very good. काफी तेजस भी बच्चे हैं, तभी इतना जल्दी से आंसर दे दिया. The correct answer is तेजस. Very good. Next देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, देखेंगे रैपिड फायर भी करना है, मेंटी क्विज भी करना है. चलिए ये बताइए, who took over as the president of the Asian Cricket Council recently, and बच्चे month दिया गया है January 2021 में, किसने किया था बच्चे? Who became the president of Asian Cricket Council? जल्दी से बताइए. हाँ जी, जय शाह. यस, क्या है आंसर? वेरी गुड, जय शाह. नहीं नहीं बच्चे, आप मिक्स कर रहे हो बेटा, बीसीसीआई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है. क्या है आंसर? जय शाह. बच्चे जय शाह बीसीसीआई में किस पोस्ट पे है? बीसीसीआई सेक्रेटरी. राइट, जय शाह उज द बीसीसीआई सेक्रेटरी. ही टुक ओवर दी चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल. मेन पॉइंट क्या है बच्चे? ही इज दी youngest person to hold this position. He is the youngest person to hold the position of. आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है,
हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? आंसर क्या है बच्चे? सेम, जय शाह, राइट। किसको रिप्लेस किया था इन्होंने? सो ही रिप्लेस, जब ये बने थे जनवरी 2021, ही रिप्लेस्ड नजमुल हुसैन, ये आप लिख लेना, जो कि बच्चे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ रह चुके हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे बेटा। वेर, एक और इम्पोर्टेंट चीज, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? सो हेडक्वार्टर इज इन कोलंबो, श्रीलंका। सो बच्चे यू नीड टू राइट डाउन ऑल दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू राइट डाउन ऑल दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हो जाए तो बताना। कोई बात नहीं बच्चे, कंफ्यूजन हो गई तो कोई बात नहीं। ओके अक्षय, डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट थिंग, राइट। चलिए यहाँ तक डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर वाचिंग दी सेशन, बट वेरी फ्यू ऑफ यू हैव लाइक द सेशन। सो बच्चे, इफ यू थिंक दैट मैम इज हेल्पिंग यू इन एनी वे, सो जस्ट शो योर लव एंड सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फर्स्ट मेड इन इंडिया मेट्रो रेल कंपनी रिसेंटली इन जनवरी 2021? बच्चे आपको जल्दी से ये बताना है क्या है आंसर इसका। फर्स्ट इंडिया मेड, और यू कैन से फर्स्ट मेड इन इंडिया, राइट, क्या है बच्चे? फर्स्ट मेड इन इंडिया मेट्रो रेल, बच्चे बताएंगे आप क्या है आंसर? चलिए यस, करेक्ट आंसर, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। आपको ये शायद इसलिए याद होगा क्योंकि इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? उद्धव ठाकरे ने। यस, क्या है बेटा आंसर? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, वेरी गुड। क्या है बेटा आंसर? महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये जरूर याद रखेंगे आप, राइट। सो बच्चे, सीएम उद्धव ठाकरे अनवील्ड द फर्स्ट मेड इन इंडिया मेट्रो रैक एट चारकोप डिपोट, राइट। सो बच्चे, उन्होंने ये किया था, ये फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट मेट्रो कोच है, मेट्रो रेक, मेट्रो कोच आप बोल सकते हो, राइट, विच इज टू बी यूज फॉर, विच इज टू बी यूज फॉर, बच्चे आप ये लिख लेंगे, दी मुंबई मेट्रो, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, मुंबई मेट्रो लाइन 2A, विच इज फ्रॉम दाइसार ईस्ट टू डीएन नगर एंड लाइन 7 ऑल्सो। क्लियर है बेटा? इतना वैसे डिटेल में नहीं आएगा, इतना वैसे डिटेल में नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हो दैट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच इज MMRDA, हैज रिसीव्ड द मेड फर्स्ट मेड इन इंडिया मेट्रो कोच और मेट्रो लाइन, राइट। बच्चे कोच बेटा, कोच, सिद्धि कोच। आगे बढ़े, नाउ 13th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट वाज द आउटले ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अनाउंस्ड इन बजट 2021? बच्चे ये हम कर चुके हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए। यस, द करेक्ट आंसर इज 64,180 करोड़। बट क्या आपको पता है व्हाट इज दिस आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना? बच्चे कोई बताएगा क्या है ये आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना? तो अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना या भारत स्वस्थ भारत योजना की अगर हम बात करें, बेसिकली दिस हैज बीन रिलेटेड टू एड्रेस दी हेल्थ इश्यूज इन अ होलिस्टिक मैनर, राइट, एंड टू अडॉप्ट अ प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी फॉर अ हेल्दी इंडिया, उसके लिए ये किया गया है, राइट। सो स्वच्छ भारत अभियान के जो बच्चे मेजर्स हैं वो इसमें कुछ इंक्लूडेड होंगे आपके, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो आपको अमाउंट जरूर पता होना चाहिए, एंड इट वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट 2021-2022। चलिए ड्यूरेशन याद रख सकते हैं बच्चे आप इसकी, इसकी जो ड्यूरेशन सेट की गई है दैट इज 6 इयर्स, ठीक है। फंडिंग बच्चे, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, आप कह सकते हो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कितना बच्चे इसको किया जाएगा? 64,180
80 करोड़। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मेनली आपको याद रखनी है जो हमने बीए की क्लास में किए हैं, मेजे मेनली आपको वो याद रखने हैं। नाउ यूनियन बजट 2021-2022 अनाउंस्ड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 49 to 49 to, वेरी गुड, क्या है बेटा आंसर, 74%, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। हां जी, हमारा अगला क्वेश्चन है बजट फॉर 2021-2022 अनाउंस्ड वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट द ओल्ड एंड पोल्यूटिंग व्हीकल्स। बच्चे पहले भी था, पहले अलग था बजट फॉर 2021-2022 जिसका हमने एक स्पेशल सेशन भी किया था, उसमें बच्चे हमने डिस्कस किया था दैट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फिटनेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स विल बी चेक फॉर द सेम। यस करेक्ट आंसर इज 15, करेक्ट आंसर इज 15, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिजरी इंडेक्स। बच्चे क्या होता है ये, इसके बारे में बताइए। देखो ये बच्चे काफी टाइम से न्यूज में है, सो वी कैन से दैट पहले सुन लो इसको, दैट देयर हैज बीन अ डिमांड टू मेजर इंडियन इकोनॉमी ऑन मिजरी इंडेक्स। द फर्स्ट, आप इसके मेन मेन पॉइंट्स लिख लो। द फर्स्ट मिजरी इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय हूम, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो इट वाज क्रिएटेड बाय आर्थर नॉकन इन 1960s, राइट, आर्थर नॉकन ने किया था इन 1960s, विच इज इक्वल टू दिस इंडेक्स is equal to the sum of inflation and employment, sum of inflation and unemployment, kis cheez se related bache, employment rate figures, right, to provide a snapshot of the economy. And the bache Arthur Noken ne kiya tha, so it first used for US economy. Ye basic aapko yaad hona chahiye. राइट, मिजरी इंडेक्स जो है वो सर आर्थर नॉकन ने 1960s में यूएस इकोनॉमी के लिए यूज किया था। इट इज नथिंग बट द सम ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो बच्चे क्या आंसर है, यस बच्चे दिस इंडेक्स बेसिकली डिटरमाइंस दैट जो सिटीजंस ऑफ दैट इकोनॉमी है वो इकोनॉमिकली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। दैट मीन्स द हायर द इंडेक्स द मोर इज द मिजरी फेल्ट बाय एवरेज सिटीजंस, ठीक है। Basically, we can say that it has broadened in recent times to include other economic indicators like bank lending rates, etc. ठीक है बेटा, clear है आपको ये? Clear है पुत्र? तो बच्चे आपका misery index जो है, it is what? Rate of inflation plus rate of unemployment. Clear है पुत्र यहाँ तक? आगे बढ़े। तो simple size को बच्चे समझो, it is the measure of the degree of economic distress felt by people every day, ठीक है, due to the risk of joblessness and other factors, ठीक है बच्चे, it's from 4 to 7 बेटा, 3 hour session है जागृति, 4 to 7 will see कितना हम कर पाएंगे बच्चे। चलिए next देखते हैं 17th question, which word was named as the Oxford Word of the Year 2020, what is the answer? आत्मनिर्भरता, and इस साल बच्चे Oxford ने इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर या सिंपली जिसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर वो अनाउंस नहीं किया था, राइट। सेल्फ रिलायंस या बोल सकते हो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने अनाउंस किया, बट वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने अनाउंस नहीं किया था बिकॉज दे वर नॉट एबल टू चूज वन एज द वर्ड ऑफ द ईयर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो आप ये कह सकते हो 2020 को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस में वर्ड ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ईयर जो है वो डिक्लेयर किया है। तो इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर इसने कोई डिक्लेयर नहीं किया, बट हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर वॉज आत्मनिर्भरता, ठीक है बच्चे। आप बोल रहे क्वारंटीन लास्ट ईयर, श्योर क्वारंटीन था, देन कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2020 वर्ड ऑफ द ईयर क्या है बच्चे? लास्ट ईयर तो क्लाइमेट डिक्शनरी, क्लाइमेट इमरजेंसी था बेटा,
ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर लास्ट ईयर वॉज क्लाइमेट एमरजेंसी, जो आप लोग कैम्ब्रिज बोल, जो आप लोग बच्चे क्वारंटीन बोल रहे हो, दैट इज द कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, दैट इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, डोंट गेट कंफ्यूज इन द सेम, बच्चे न्यूज अलग अलग है, सेम टाइप ऑफ न्यूज होने से आंसर सेम नहीं हो जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोजेक्टेड अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ डैश परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, बच्चे फरवरी में इसने ये प्रोजेक्ट किया था, कितना किया है? यस 10.5, वेरी गुड, कितना किया है बच्चे? 10.5 बच्चे। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? यस, क्या है आंसर? शक्तिकांत दास। नाउ क्विकली टेल मी द नेम ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, जिसमें से अभी एक को बच्चे रीअपॉइंट भी किया गया है, एक न्यूली अपॉइंटेड है, एक रीअपॉइंटेड है। राइट बच्चे, आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द टीम। यस, क्या है आंसर? टी रविशंकर, न्यूली अपॉइंटेड वन, बाकी महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, वन मोर नेम इज देयर, जल्दी से बताइए। हाँ जी बच्चे बताओ जल्दी। हाँ जी यस, क्या है बच्चे आंसर? टी रविशंकर तो न्यूली अपॉइंटेड वन है, जिनको की बच्चे बीपी कानूनगो की जगह पे लाया गया था, राइट है ना बच्चे। अभी महेश कुमार जैन का फिर से हम कह सकते हैं, महेश कुमार जैन जो है फिर से उनको बच्चे रीअपॉइंट किया गया है, राइट टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्लियर है बेटा यहाँ तक? देन एम राजेश्वर राव तो है ही, माइकल पात्रा, तो कौन कौन हो गए बच्चे? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड बी टी रविशंकर। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एम्पिटी क्लिनिक वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसेंटली, बच्चे जल्दी से बताइए कहाँ ओपन हुआ है। राइट बच्चे, अगर हम बात करते हैं एम्पिटी क्लिनिक मींस पर्टिकुलरली फॉर द पर्सन हु हैज दी लिम एम्पिटेटेड, राइट, मेनली उनके लिए जो क्लिनिक ओपन किया गया है, राइट, तो क्या आंसर है? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़। वेरी गुड, नाउ वन मोर क्वेश्चन देन वी विल डू आवर फर्स्ट रैपिड फायर राउंड, वन मोर क्वेश्चन देन वी विल डू आवर फर्स्ट रैपिड फायर राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च दी स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट, स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट, बच्चे जिसका लेग या आर्म एम्पिटेटेड हो, बच्चे हाथ या पैर कटा हुआ हो। ठीक है बेटा, राइट ऋषिका? यस, क्या है आंसर? ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। क्या है बेटा आंसर? ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। अगर हम इसकी बात करें, ये एम्प्लॉय ओन अमेरिकन एरोस्पेस है, दिस इज एम्प्लॉय ओन अमेरिकन एरोस्पेस फर्म, राइट, विच इज इन माइन यूएस। यस बच्चे, यूएसए बेस्ड एरोनॉटिक्स है बच्चे, यस राइट, विथ स्लो मोड रैपिड फायर राउंड, बच्चे आई सी, बच्चे विल सी कैसे क्या हम कर सकते हैं। ओके आगे बढ़े। ओके चलिए, तो बच्चे अगर हम बात करें अपने रैपिड फायर राउंड की, तो आई स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस दैट वी कवर इन द क्लास एंड आई आस्क अदर क्वेश्चंस आल्सो। ये बताइए व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन रिसेंटली एडेड टू दी वर्ल्ड वर्ल्ड बच्चे हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। बच्चे अभी तो कहीं पे भी आंसर्स नहीं है इस वाले हैंडआउट का, बच्चे अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई गेट इट अपलोडेड ऑन पीएसआई जून वाली, धोलावीरा, वेरी गुड, बट विच वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? नहीं
नहीं तुषार, इट वाज नॉट मोहनजोदारो. फर्स्ट साइट व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा. सेकेंड साइट वाज मोहनजोदारो, राइट? यस, हड़प्पा इन 1921 बाय दयाराम साहनी, राइट? ओके विजय, क्विकली टेल मी हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अजय त्यागी, विजय, नॉट अजय शाह, इट्स अजय त्यागी. वेरी गुड. नाउ टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु डिजाइन दी न्यू डिजाइन और न्यू सिंबल ऑफ इंडियन रुपी. हु डिजाइन द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन रुपी? Yes, क्या है आंसर? डी उदय कुमार. नाउ टेल मी द नेम ऑफ दी पर्सन हु एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम और हु डिड द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. Yes, क्या है बेटा आंसर? दादा भाई नारोजी. वेरी गुड. नाउ कैन यू क्विकली टेल मी दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुशील चंद्रा. यस हार्दिक, क्या है बच्चे आंसर? सुशील चंद्रा. सुशील चंद्रा ने किसको रिप्लेस किया है या किसको सक्सीड किया है? सुशील चंद्रा हैज सक्सीडेड हूं. यस परफेक्ट. क्या है आंसर? सुनील अरोड़ा. वेरी गुड. नाउ टेल मी इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु अपॉइंट्स द सीएजी ऑफ इंडिया? Who appoints the CAG of India? President, yes, GC मुर्मू अभी है, कौन अपॉइंट करता है? President. Now tell me that if we talk about the situation when President and Vice President both are not available, who performs the role of President? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वेरी गुड. क्या है आंसर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये भी अप्रैल में ही चेंज हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए. एनवी रमना. एनवी रमना इज द डैश सीजेआई. 45th, 46th, 47th और 48th. वेरी गुड. क्या है आंसर? 48 सीजेआई. वेरी गुड. नाउ बच्चे, सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है, याशिका सुनील अरोड़ा. नाउ क्विकली टेल मी दैट इफ वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी है? व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? यस वेरी गुड. नॉट लूनार बच्चे, इट्स वुलर. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे. ओके नाउ क्विकली टेल मी दैट इफ वी टॉक अबाउट दी हाईएस्ट और नो नॉट हाईएस्ट, व्हिच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? व्हिच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? सियाचिन ग्लेशियर. वेरी गुड. द फेमस वॉटरफॉल नाइग्रा फॉल्स सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ विच टू कंट्रीज? यस, सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ विच टू कंट्रीज? यस, यूएस एंड कैनेडा. वेरी गुड आरी. क्या है आंसर? यूएस एंड कैनेडा. बट इफ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड, कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड? 20th सितंबर तक राघव. यस, साल्टो एंजल्स फॉल, सेंट एंजल्स फॉल, व्हिच इज इन वेनेजुएला. वेरी गुड. नाउ टेल मी व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री
इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द वर्ल्ड? वेरी गुड, क्या है आंसर? वैटिकन सिटी. वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वैटिकन सिटी. नाउ टेल मी द नेम ऑफ गंगा रिवर इन बांग्लादेश. व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा रिवर इन बांग्लादेश? बच्चे, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड द आईटी टीम टू रिमूव दैट. यस, क्या है आंसर? पद्मा. वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज पद्मा. हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? यस, क्या है आंसर? टोडरमल. मान सिंह. बच्चे आर्मी चीफ थे. हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अकबर? हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अकबर? Todramal, very good. Who is known as the Napoleon of India? Who is known as the Napoleon of India? Administrator was Birbal. Yes, correct answer. Administrator of Akbar was Birbal. And which is Napoleon of India? जिसको बोलते हैं समुद्रगुप्त. Now tell me that first made in India metro coach or metro rack, right? And we in which state of India? बच्चे हो रहा है बेटा, सेटिंग हो रही है, वेट. महाराष्ट्र. वेरी गुड, क्या है आंसर? महाराष्ट्र, परफेक्ट. राइट, नाउ क्विकली टेल मी बच्चे, फर्स्ट इग्लू कैफे इन ऑफ इंडिया कहाँ ओपन किया गया? फर्स्ट इग्लू कैफे ऑफ इंडिया. ले, वेरी गुड. नाउ टेल मी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में व्हिच स्टेट इज द बेस्ट गवर्न स्टेट एंड लार्ज स्टेट अमंग लार्ज स्टेट्स? केरला अमंग द स्मॉल स्टेट व्हिच वाज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स? Small states में कौन है बेटा? Goa. Very good. Now quickly tell me the name of the first women chief of World Trade Organization. First women chief of World Trade Organization. Gauzy Okonjo Iweala. Very good. क्या है बेटा answer? Gauzy Okonjo Iweala. Very good. Now, Vijay, can you tell me that breakout economies may, what is the rank of India by according to the digital evolution scorecard? Yes, kya hai answer? Fourth. Very good. Now, Vijay, can you tell me that according to the Hurun Global Report 2020, which company topped the list? Which company topped the list? Which company ranked at the top according to Hurun Global Report 2020? Bache, nahi Hurun ke liye, it's not Walmart, it's Apple. It's Apple. Bache, Hurun Global Report 2020 ki baat kar rahi hu. Main Forbes ya bache Fortune Magazine ki baat nahi kar rahi. Right? Chale bache, mujhe ye batao. Which country is the largest recipient of FDI in 2020? वेरी गुड, क्या है आंसर बेटा? चाइना. वेरी गुड. नाउ बच्चे मुझे जल्दी से ये बताओ दैट इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दैट? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? सेवन. व्हिच स्टेट टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020? व्हिच स्टेट टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020?
वेरी गुड बच्चे. नाउ मुझे ये बताओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2020 व्हेन वी लुक एट द इमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020 एनर्जी ट्रांजिशन. बच्चे सेकंड बेटा, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2020 इमर्जिंग मार्केट आउटलुक बाय ब्लूमबर्ग. इट वाज सेकंड व्हिच वाज रिलीज्ड इन फरवरी 2021. ठीक है. एंड बच्चे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स. हाँ जी बच्चे, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की, तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111. नहीं बच्चे, मैं ये लिख देती हूँ, ये अलग है. ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, इंडियाज रैंक 111, ये जरूर लिख लेना, इंडियाज रैंक 111. तो बच्चे बहुत सारी कंट्रीज आप देख सकते हो, मतलब बहुत पीछे है इंडिया की अगर हम बात करें. राइट, टॉप पे कौन है बच्चे इसमें? टॉप पे वी हैव न्यूजीलैंड. तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इंडियाज रैंक 111, टॉप पे वी हैव न्यूजीलैंड. ठीक है बच्चे, आई थिंक काफी हो गया रैपिड फायर. राइट, थोड़ा आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चंस करें, फिर हम करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ रैपिड फायर. ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ रैपिड फायर. काफी क्वेश्चंस हो गए, आई नो यू गाइस एंजॉय द यू नो रैपिड फायर राउंड, आई नो दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे. यस, इसके आंसर्स अपलोड होंगे, डोंट वरी. नाउ क्वेश्चन 21 बच्चे, दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च डैश कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन फरवरी 2021. बच्चे क्या था नाम? कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से बताइए आंसर. स्विच दिल्ली. यस, क्या है आंसर बच्चे इसका? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्विच दिल्ली. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22nd. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 22nd क्वेश्चन, इट सेज दैट फर्स्ट स्टेट इन द नेशन टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट. बच्चे नाउ स्लो मोड हट चुका है. राइट, नाउ यू कैन आंसर फास्ट. सेकेंड रैपिड फायर राउंड में बच्चे आप आराम से कर पाओगे, स्लो मोड बंद हो गया है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट इन द नेशन टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट कौन सा है? इट्स हिमाचल प्रदेश. बच्चे यू नीड टू रिमेम्बर दैट, इट्स हिमाचल प्रदेश. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 23. इट सेज दैट फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया जनवरी टू 20 सितंबर तक कर लो क्या? बस बच्चे हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएंगे, बट मैं आपको ये कहूंगी बच्चे अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिस करके जाना विल नॉट बी एडवाइजेबल. एक बार सीए टेस्ट के क्वेश्चन देख लीजिए. वॉज इश्यूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक. बच्चे कौन से बैंक ने इश्यू किया था? नो, द आंसर इज यस बैंक, जो कि 2015 में बच्चे इसने स्टार्ट किया था. 2015 में स्टार्ट किया था. बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन बॉन्ड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन बॉन्ड? बच्चे ग्रीन बॉन्ड, या जिसको आप क्लाइमेट बॉन्ड भी कह सकते हो, दे आर बेसिकली, आप कह सकते हो बच्चे, द फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पॉजिटिव एनवायरमेंटल बेनिफिट्स या बच्चे क्लाइमेट बेनिफिट्स को माइंड में रखते हुए किए जाते हैं. ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें एज ऑफ 2021 अगर हम देखें, तो इससे रिलेटेड आप एक पॉइंट लिख सकते हो दैट इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज द यस बच्चे क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट बेनिफिट्स आप बोल सकते हो मेनली. ठीक है, तो बच्चे क्या इसमें आप मेन लिखोगे? इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन द वर्ल्ड. ठीक है, यस बेटा, यस, वन ऑफ द राइट, वन ऑफ द पार्ट. क्लियर है बच्चे? तो ये यस बैंक ने स्टार्ट किया था इन द ईयर 2015. बच्चे यस बैंक में मेजोरिटी स्टेक किस बैंक ने खरीदे हैं? यस वामशी, इसमें एक पॉइंट जरूर लिख लेना दैट इंडिया हैज द, ये क्वेश्चन अलग से बच्चे इसका बन सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट. एंड बच्चे आप पॉइंट क्या है, अगर इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग
ग्रीनबॉर्ड मार्केट, देन टॉप पे कौन सी कंट्री है, फर्स्ट पे है चाइना, ये जरूर लिखना ठीक है। सो बच्चे इट वाज इन 2015 दैट इंडिया स्टेप इनटू द मार्केट ऑफ ग्रीन बॉन्ड विद यस बैंक इशूइंग दी फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड फॉर फाइनेंसिंग द रिन्यूएबल एंड द क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़े। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, विच इज वर्ड इन शॉर्ट सांस कैंपेन टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टैलिटी। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अंकित सर टू ऑल ऑफ यू, एंड द क्वेश्चन इज, हु इज टू बिकम द नेक्स्ट एयरफोर्स चीफ, राइट? नेक्स्ट एयरफोर्स चीफ कौन होंगे, राइट? जल्दी से बताइए मुझे, अभी की न्यूज है, एक दिन पहले की न्यूज है। सो जो एयर मार्शल है वो बनेंगे, जल्दी से नाम बताइए। यस द करेक्ट आंसर इज वी आर चौधरी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, राइट बच्चे? ये हमने आई डोंट नो, मतलब पता नहीं आज के सेशन में मैंने ये बोला है या नहीं, राइट? कल के डाउट सेशन जब था बच्चे तब तो हमने डिस्कस किया था शायद, राइट? सो नेक्स्ट एयरफोर्स Chief B.R. Chaudhary, right? So he will be the chief of Indian Air Force, right? And बच्चे किसको succeed करेंगे? किसको succeed करेंगे? He will succeed R.K.S. Bhadauria, right? He will succeed R.K.S. Bhadauria, ठीक है? Who retires on 30th September after a week. So this announcement has been made by Defence Ministry, right? So जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, करंट इज आरकेएस भदौरिया बेटा, उसी को सक्सीड करेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नमन, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज बच्चे, यस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सांस कैंपेन किसने लॉन्च किया है बेटा, मध्य प्रदेश ने, राइट? क्लियर है बेटा यहाँ तक? आई होप आप ये लिख चुके हो दिस वन, द नेक्स्ट एयर फोर्स चीफ। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, नाउ 25th, the 16th edition of India US Joint Military Exercise Yudh Abhyas 20, it commenced in February 2021 in which of the following Indian states? क्या है आंसर? Yes, the correct answer is राजस्थान, राइट? सो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस एंड ऑल है उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच है, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने लिस्ट भी बनवाई थी आप लोगों को, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डे सेटू डैम विल बी बिल्ट बाय द असिस्टेंस ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर इंडिया बच्चे किसी दूसरी कंट्री में डेवलप कर किसी चीज में हेल्प कर रहा है, स्पेशली अगर वो ऐसी कंट्री है व्हिच इज रिसेंटली इन न्यूज, तो आपको याद होना चाहिए लिस्ट बच्चे। अंजलि आप बच्चे पीआई ग्रुप जो है आपका प्रथम पीआई ग्रुप, उसके मीडिया में जाके सर्च कर सकते हैं प्यारा प्रथम स्टूडेंट, राइट? तो बच्चे आंसर इसका क्या है, राजस्थान, इस वाले क्वेश्चन का था राजस्थान, 26 का आंसर है अफगानिस्तान, ठीक है? नो नो बच्चे माधव, बहुत ही लीस्ट चांसेस है बच्चे कि उस पर क्वेश्चन आएगा आपका, पर अगर आएगा भी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा सेशन में। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, राइट? इट इज अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट Summit in 2021 February month, right? इसमें question indirect पूछा गया है that this is a flagship event of which organization? Answer is the Energy and Resource Institute. Very good, very good, perfect answer. Next देखते हैं, next देखते हैं बेटा क्या है? Now next question that we have on our screen is beautiful things is a memoir written by who among the following? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे पाते हैं इसका। वेरी गुड राघव, वेरी गुड योविका, वृंदा, परफेक्ट आंसर क्या है बच्चे, हंटर बाइडेन। क्या है आंसर? हंटर बाइडेन। एंड इफ वी टॉक अबाउट हंटर बाइडेन बच्चे कौन है ये, कैन यू टेल मी अबाउट हिम, कौन है ये?
Junior Biden, okay, Rohan. Second son of Joe Biden, son of Joe Biden. Okay, perfect. आगे बढ़ते हैं. Now you need to remember the title also. There can be question that what is the title of the memoir written by Hunter Biden. आपको beautiful things जो title है बच्चे वो याद जरूर करना है. ठीक है. हाँ जी बच्चे बाइडेन के शाहबजादे हैं ये. ठीक है. सेकेंड सन बेटा. चलिए नेक्स्ट. विथ स्टेट गवर्नमेंट साइन एमओयू विथ फ्लिपकार्ट टू प्रमोट वुडन टॉयज लोकल आर्टिफैक्ट्स हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. तो बच्चे अगर हम बात करते हैं अगर ऐसा कोई ऐसी कोई न्यूज होती है जिसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट किसी कंपनी के साथ कोई मेजर डील साइन करती है उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. आंसर इज महाराष्ट्र एंड नॉट छत्तीसगढ़. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 30th क्वेश्चन. चलिए 30th क्वेश्चन क्या है. Which state government announced 16-digit Unicode to identify the land holding? बच्चे किस स्टेट ने 16-digit Unicode जो है वो अनाउंस किया था to identify the land holding? Not Rajasthan. The correct answer is Uttar Pradesh. क्या है बेटा आंसर? Uttar Pradesh. Next question देखते हैं. बच्चे ये जो भी questions आपको आज की PPT में दिख रहे हैं जितने भी आपके past year papers में questions आए हैं उसको समझते हुए कि किन मंथ से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो यहाँ पे किए गए. देखो बाकी जो आपके इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज विनर्स वो तो हम क्लास में भी कर चुके हैं बहुत बार. बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम कर चुके हैं. इसमें आपको कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग दिखेंगे. ठीक है. चलिए. हाँ जी बेटा. यस नमन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state, ma'am, YouTube पे डाल देना solution. YouTube पे डाल दो या PSI इसके बेटा. चलिए. Which state or union territory became the first in India to sign a pact with United Nations Environmental Program to achieve climate resilience and low carbon development by 2040? Thank you so much, Kashish, for your lovely words, beta. And इसी बात पे बच्चे, you guys can like the video अगर आपने नहीं किया है. And जिन स्टूडेंट्स ने बच्चे डिसलाइक भी किया है वीडियो आई रिक्वेस्ट प्लीज सजेस्ट योर फीडबैक हाउ कैन वी इम्प्रूव बिकॉज वी बिलीव इन इम्प्रूविंग आवर सेल्फ ऑन डेली बेसिस. राइट. सो यू कैन गिव योर प्रीशियस सजेशंस एंड फीडबैक. वी विल बी यू नो एंड आई लव टू यू नो वर्क ऑन द फीडबैक. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी. तो बच्चे क्या है आंसर इसका. 31st का आंसर इज बिहार. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. इट सेज दैट नेम व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल एंड द ऐप व्हिच इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा. राइट. तो बच्चे अगर हम इसकी बात करें तो बच्चे इसपे काफी बार क्वेश्चन देखा गया है. राइट. तो अगर हम बात करते बच्चे डायस्पोरा आई थिंक यू ऑल नो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री. राइट. तो बच्चे दोस पीपल हु बच्चे बेसिकली मूव्ड आउट फ्रॉम द कंट्री उनके लिए जो ये बच्चे लॉन्च किया गया है पोर्टल का क्या नाम है जिससे कि उनसे हम कनेक्ट कर सके. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको किया है. आंसर इज रिश्ता. डायस्पोरा रिश्ता. यस बच्चे इनकरेक्ट आंसर्स मैक्सिमम ने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं. ज्यादा कैची नेम आपको आई नो प्रवासी पोर्टल लग रहा है बट द आंसर इज ए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेटा टॉपर आप कह रहे हो कि आंसर दिख जाता है बेटा वो तब तक नहीं दिखता जब तक मैं आगे बढ़ू. ठीक है. आगे बढ़े बच्चे. बच्चे दो अनाउंस किए गए थे. ठीक है. देखो अगर हम बात करते हैं बच्चे इसका पूरा जो नाम है ना बच्चे वो क्या है. ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल. इसीलिए आप शायद और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो. राइट. क्योंकि क्या नाम है बच्चे. ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल जिसको इन शॉर्ट बच्चे डायस्पोरा रिश्ता के नाम से रेफर किया जा रहा है. ठीक है. दिस इज फॉर कनेक्टिंग विद The Indian who moved outside, right? चलिए आगे बढ़े. इसकी इस वर्ड की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है. ठीक है बच्चे वो एक दो बार हो जाता है बेटा.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 इज नेम इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन। बच्चे वो सेकंड स्लाइड में आपको आंसर दिखता है बेटा, सेकंड स्लाइड में आंसर दिखता है, फर्स्ट स्लाइड में नहीं दिखता। फर्स्ट स्लाइड में हम पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आई शो यू द आंसर। ठीक है चलिए, इंडिया फर्स्ट इंडी, बच्चे पूरा पढ़ो, गलती कर दी आंसर, मैंने आपको पहले ही बोला है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन एंड मार्किंग द आंसर। देयर कैन बी ऑप्शन दैट कैन कंफ्यूज यू अ लॉट। तो क्या है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप डीएनए वैक्सीन, भूल गए ये, कैंडिडेट अगेंस्ट कोविड-19। बच्चे क्या है आंसर, जाइकोव डी। अगर ये डीएनए वर्ड नहीं होता तो आंसर आपका कोवैक्सिन हो सकता था, बट क्योंकि आपसे पूछा गया है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप डीएनए वैक्सीन, फर्स्ट नीडलेस वैक्सीन कौन सी है, जाइकोव डी। क्लियर है बेटा यहाँ तक, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप कोविड-19 वैक्सीन इज कोवैक्सीन, बट डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है बच्चे, जाइकोव डी बाय जाइडस कैडिला। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, आगे बढ़े। 34th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इफ वी, बच्चे मेंटी एंड में होगा बेटा, मेंटी एंड में होगा, डोंट वरी आशिका, आई नो मेंटी का काफी बेस सब्री से इंतजार हो रहा है, मेंटी क्विज भी करेंगे, डोंट वरी। नाउ 34th क्वेश्चन, चलिए चलिए, रुपी डिनोमिनेटेड बोरोइंग इश्यूड बाय एन इंडियन एंटिटी इन ओवरसीज मार्केट्स आर नोन एज, बच्चे इनको क्या कहा जाता है। ये देखो मिक्स्ड आंसर्स, इसमें भी करेक्ट आंसर है मसाला बॉन्ड्स। बच्चे करेक्ट आंसर क्या है मसाला बॉन्ड, प्लीज टेल हु वाज दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अकबर। प्रियांशी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अकबर वाज बीरबल। बच्चे बीरबल इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अकबर, बीरबल इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अकबर। बच्चे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म मीन्स। मसाला बॉन्ड्स आर बेसिकली द बॉन्ड्स इश्यूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, ये जरूर याद रखना। ठीक है बच्चे, ये वो बॉन्ड्स हैं व्हिच आर इश्यूड आउटसाइड इंडिया बट दे आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज रादर देन देयर लोकल करेंसी। मसाला इज एन इंडियन वर्ड वी नो व्हिच मीन्स स्पाइसेस, राइट, उसी के लिए बच्चे इसको यूज किया जाता है बिकॉज ये मिक्सचर होता है बेटा। ठीक है ठीक है बेटा। मैम ये करंट अफेयर्स कौन से मंथ से कौन से, बच्चे मिक्स टेंस में आपको 2020 एंडिंग के जैन पे मार्च अप्रैल मई के, देन बच्चे जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त के दिख जाएंगे, राइट। सो बच्चे मिक्स क्वेश्चंस है बेटा, मिक्स क्वेश्चंस है एंड कुछ कुछ आपके फर्दर क्वेश्चंस इधर उधर से, बच्चे जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके स्टैटिक क्वेश्चन भी डाला गया है। चलिए ये बताइए, IRDAI हैज सेट अप, हाँ जी बच्चे तिशा नेक्स्ट पे आ चुके हैं, IRDAI हैज सेट अप 10 मेंबर कमिटी टू एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। बच्चे कमिटी के चेयरमैन पे DU JAT एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस तरह की मिली बच्चे, जो आपका हाईलाइटेड न्यूज होती है उस सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई कमिटी बनाई जाती है उनके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे। एंड बच्चे आंसर क्या है, आंसर इज नॉट ए नॉट बी नॉट सी, बहुत कम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, विच इज एस सी कुंतिया, द नेम इज सुभाष चंद्र कुंतिया। बच्चे ठीक है, एंड इनको बच्चे आप जानते होंगे, ही इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, राइट, उनको अपॉइंट किया गया है बाय IRDAI। बच्चे IRDAI की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज IRDAI, IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, विच हैज बीन फॉर्मड अंडर दी पार्लियामेंट्री एक्ट, राइट। एंड बच्चे ये बेसिकली सुपरवाइज करता है टू दी डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया को, राइट, क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए बच्चे IRDAI की अगर हम बात करें तो बच्चे इनके चेयरमैन का नाम भी बताई दीजिए, अब इनके बारे में नाम आ ही गया है तो, बच्चे आंसर आपके आसपास ही है,
बच्चे अभी अगर हम बात करें आईआरडीएआई जो है उनकी चीफ या उनके बच्चे चेयरमैन की जो पोस्ट है वो अभी खाली है, क्योंकि बच्चे मई 2021 में सुभाष चंद्र खुंतिया जो थे उनका टर्म खत्म हो गया था, एंड अभी बच्चे जो उसकी पोस्ट है वो खाली है। ठीक है चलिए यस बच्चे, बेटा अभी मई को बच्चे मई 2021 में इनका टर्म कंप्लीट हो गया था, उसके बाद से बच्चे पोस्ट खाली है। ठीक है बच्चे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला आई थी, नहीं कर्नाटका, कर्नाटका। चलिए आगे बढ़े, नाउ 36 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं बेटा। व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट टू हैव टू एक्सप्रेसवे एयर ट्रिप्स फॉर फाइटर प्लेन, बताइए बच्चे। बताइए बेटा, बताइए बेटा। ओके यू गाइस आर सेइंग करेक्ट आंसर इज सी व्हिच इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव टू एक्सप्रेसवे एयर ट्रिप फॉर फाइटर प्लेन्स, राइट बच्चे। इफ यू रिमेम्बर हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था इससे रिलेटेड, थोड़ा मैं बता रही बच्चे, इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन हाईवे कहाँ इनॉग्रेट किया गया बच्चे, इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन हाईवे इनॉग्रेटेड इन, यस इन बाड़मेर राजस्थान, वेरी गुड, बाड़मेर राजस्थान। ऑन विच नेशनल हाईवे, ऑन विच नेशनल हाईवे विच इज अ 3 किलोमीटर स्पैन, यस बच्चे क्या है आंसर, NH 925, ठीक है, इन जालौर राजस्थान या बच्चे बाड़मेर राजस्थान बोल सकते हो। ठीक है चलिए, दैट्स ग्रेट कि आपको पढ़ी हुई चीजें याद है बच्चे सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, यस वन ऑफ देम बेटा, वन ऑफ देम, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बताइए बच्चे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यस क्या है आंसर, द हेग नीदरलैंड, ठीक है द हेग नीदरलैंड, वेरी गुड, क्या है बेटा आंसर, द हेग नीदरलैंड, क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए वेरी गुड बच्चे, एंड वी नो दैट बच्चे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इट इज देयर टू यू नो सेटल द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है चलिए आगे बढ़े, एंड आई होप यू ऑल नो दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द मेन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है चलिए आगे बढ़े बच्चे, टोटल कितने जजेस होते हैं इसमें, आईसीजे के टोटल जजेस कितने होते हैं, हाउ मेनी जजेस आर देयर, सो दिस कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी जजेस, 15, टोटल जजेस होते हैं 15 जिनका टर्म होता है बच्चे ऑफ 9 इयर्स, नहीं नहीं बच्चे आकांक्षा 33+1 इज फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बच्चे ये आपका पता ही है, इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं बच्चे उसको सॉल्व करते हैं। नाउ 38 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, देन बच्चे 40 क्वेश्चन करते हैं, देन विल डू द सेकेंड राउंड ऑफ रैपिड फायर, राइट। अमरावती रिजर्वेयर इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया, बताइए बेटा अमरावती रिजर्वेयर इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, तो बच्चे ये तो इसका पुराना नाम है, नाउ इट इज नोन एज विच टाइगर रिजर्व, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व, राइट, नाउ इट इज नोन एज अन्नमलाई टाइगर रिजर्व, अर्लियर नोन एज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, राइट बच्चे कहाँ पे है ये, इट्स इन तमिलनाडु, ठीक है इट्स इन तमिलनाडु, क्लियर है बेटा यहाँ तक, नहीं नहीं बच्चे नॉट नरेंद्र मोदी, वाई नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी था, अब आप बोल रहे हो कि आप
नरेंद्र मोदी नेशनल पार्क हो गया होगा? नहीं नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं किया है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेरी फनी माधव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नाउ बच्चे पहले भी हो सकते हैं देवांशी। 39 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस नोन एज एशियन? बच्चे आप पूछो मैम, अगर यूट्यूब वीडियोस फॉलो की है तो उसको ही रिवाइज करें या क्वेश्चनेयर करें। बच्चे मेरा तो सजेशन स्टार्टिंग से ये था, यूट्यूब में वी आर कवरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, बट कई बार नॉट सो इम्पोर्टेंट न्यूज पे से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चे करंट अफेयर्स क्वेश्चनेयर अगर आपने किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो बच्चे भी टाइम पे बच्चे करंट अफेयर्स टेस्ट के क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लो। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है बेटा। जकार्ता। बच्चे व्हाट इज एशियन? एशियन की फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन की अगर हम बात करें, दिस इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट? सो अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चे, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको मेन ये पता होना चाहिए दैट वेयर इज दी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर आपको बताइए बच्चे कहाँ पे है? जकार्ता, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा मुझे ये बताओ दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दी एशियन, राइट, टोटल मेंबर्स कितने हैं बेटा इसके? टेन मेंबर कंट्रीज हैं ये, राइट? थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनी, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया, दीज आर दी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन। एक चीज याद रखना, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन। बच्चे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन? ऑप्शन में आपका इंडिया होने के चांसेस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यस बेटा इशिका, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन विल डू अनदर रैपिड फायर राउंड, देन 10 मोर क्वेश्चंस एंड देन विल डू दी मेंटी क्विज। यस बच्चे, इंडिया इज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। यस पुत्र, हां जी। बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? बच्चे बीसी रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? जल्दी बताइए बच्चे। And the correct answer is medicine. Very good. Most of you have given the correct answer. Yash Goyal is saying, ma'am, एक बार countries के नाम लिखवा दो। Sure बच्चे, एक बार इस question को मैं complete कर लूँ, फिर लिखवाते हैं Asian countries के name। तो बच्चे क्या आप मुझे ये बता सकते हो that मैं अगर आपसे awards related कुछ question पूछूँ, which is the highest civilian award in India? Which is the highest civilian award in India? भारत रत्न। वेरी गुड, क्या है बेटा आंसर? भारत रत्न। इसी के साथ मुझे ये बताइए बच्चे, टोटल विनर्स अभी तक कितने हैं भारत रत्न के? कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है अभी तक? बच्चे अब तो स्लो मोड भी नहीं है। 48, नॉट 43 अक्षिता, द करेक्ट आंसर इज 48। 48 इज द आंसर। बच्चे रीसेंट किसको मिला था? लास्ट 2020 में किसी को नहीं मिला, 2021 में अनाउंस नहीं हुआ, 2019 में मिला था। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द थ्री पीपल जिनको 2019 में मिला था? फॉर्मर प्रेसिडेंट, यस बच्चे, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका। वेरी गुड, किस किस को मिला था? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी एंड भूपेन हजारिका। बच्चे क्या आप मुझे ये बता सकते हो दैट भारत रत्न जब फर्स्ट टाइम दिया गया था इन 1954, तब किन तीन लोगों को मिला था? हाँ जी, टेल मी द नेम ऑफ द विनर्स ऑफ भारत रत्न, द फर्स्ट विनर्स ऑफ भारत रत्न इन द ईयर 1954। सी राजगोपालाचारी, एस राधा कृष्णन एंड बच्चे सी वी रमन। वेरी गुड, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एस राधा कृष्णन एंड सी वी रमन। वेरी गुड, नाउ टेल मी विच इज दी हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया,
Which is the highest gallantry award in India? Paramveer Chakra, very good. Kya hai answer? Paramveer Chakra, very good. And which is the highest peacetime gallantry award in India? Highest peacetime gallantry award in India? Ashok Chakra, very good. Saraswati Samman is related to which field? Saraswati Samman is related to which field? Repeating my question, Saraswati Samman is related to which field? Literature, very good. Nahi nahi bache, abhi tak nahi hai beta. Neelam, no. Yes, literature is the answer, not education. Saraswati Samman, literature. Now tell me, Dronacharya Award is given to? Dronacharya Award is given to? Coaches, very good. Now, bache, mujhe ye batao, Taj Group of Hotels is a chain of hotels owned by which company? Taj Group of Hotels is a chain of hotels owned by which company? Very good. Kya hai beta answer? Tata. Bache, who is the chairman of Tata Group? Who is the chairman of Tata Group? Who is the chairman of Tata Group? Ratan Tata nahi hai beta. Unni Chadwal bhi nahi hai. Bache, Tata Group ki baat kar rahe hain. Taj Group of Hotels, beta. Natarajan Chandrasekaran is the chairman of Tata Group. Now tell me the name of the bank whose punchline is "Let's make money simple" and whose chairperson or chairman is Prakash Apte. Tell me the name of the bank whose punchline is "Let's make money simple" and whose chairman is Prakash Apte. Kotak Mahindra Bank, very good. Tell me the name of the part-time chairman of HDFC Bank. Quickly tell me the name of the part-time chairman of HDFC Bank. Okay, yes. क्या है आंसर? Kotak Mahindra Bank. विजय, इसका क्या था आंसर? HDFC Bank, part-time chairman, yes, Sadhana Chakravarti. Right? Okay, now विजय मुझे ये बताइए that if we talk about the bank whose brand ambassador is Deepika Padukone, कौन सा बैंक है विजय, whose non-executive part-time chairman is Rakesh Makhija. Tell me the name of the bank whose brand ambassador is Deepika Padukone, whose part-time non-executive chairman is Rakesh Makhija. The answer is Axis Bank. Very good. Correct answer is Axis Bank. Tell me the name of the chairman of ICICI Bank. चलिए क्या करवाना है नीलम? चलिए yes विजय. Yes, क्या है आंसर बेटा? जी सी चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी. चलिए बच्चे मुझे ये बताओ दैट इफ वी टॉक अबाउट दी ओके टेल मी द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2021-2022. T.V. Narendran, yes, who is the MD and CEO of Tata Steel? Who is the MD and CEO of Tata Steel? Vistara is the joint venture of? Vistara is the joint venture of? Vistara is the joint venture of? Jaldi bataiye. Tata and Singapore Airlines. ठीक है बच्चे मुझे ये बताओ हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विस्तारा? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विस्तारा एयरलाइंस?
यस, क्या है आंसर? दीपिका बच्चे, दीपिका इज द आंसर। चलिए बच्चे, डू यू वांट मी टू रिवाइज यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द यूनियन बजट 2021? राइट, डू यू वांट मी टू रिवाइज क्विकली द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट? चलिए तो बच्चे, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर द व्हाइट स्क्रीन सो दैट बच्चे हम जल्दी से उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो हम रिवाइज कर सकते हैं, नॉट के मच टाइम, बट मेन मेन जो है बच्चे वो हम कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट क्विकली लेट मी जस्ट शेयर द व्हाइट स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट दी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, फॉर एग्जाम्पल यूनियन बजट 2021। आप बच्चे ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं, वी विल रिवाइज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट। ठीक है, 1 आवर ऑफ मेंटी बच्चे, देखते हैं मोर देन बच्चे 30 30 20 30 क्वेश्चंस होंगे। यस बेटा, विल डू दैट वेरी क्विकली। ठीक है, विल डू दैट वेरी क्विकली, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए सो बच्चे, अगर हम बात करते हैं यूनियन बजट 2021 की, व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर हियर इज फर्स्ट द बैकग्राउंड, राइट? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहिए। बैकग्राउंड में यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगी बच्चे, बैकग्राउंड में आई लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बजट, राइट? मुझे ये बताइए दैट द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय हुम? द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय हुम? नहीं, बच्चे नॉट फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज बजट, बट फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया बच्चे। इट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ऑन द डेट 7th अप्रैल 1860, राइट? एंड बच्चे नाउ फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय हुम? फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बच्चे बीएमएस हैंड आउट, नीलम बीएमएस हैंड आउट, फोकस ऑन बीएमएस हैंड आउट। चलिए यस बच्चे, क्या है आंसर? आर के सनमुखम चेट्टी, एंड इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1947। नाउ टेल मी हु वाज द इंडियाज फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन, वेरी गुड। सॉरी, नॉट निर्मला सीतारमन, इंदिरा गांधी। करंट कौन है बच्चे, करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मैंने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही पहले दे दिया। यस राइट। चलिए बच्चे, मुझे जल्दी से ये बताइए कि हमें पता है दैट 2021 यूनियन बजट वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट, बिकॉज़ इट वाज, वी कैन से दैट आवर फाइनेंस मिनिस्टर रेड आउट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेड इन इंडिया टैबलेट। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट व्हिच प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस बजट? Yes, क्या है आंसर? उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। क्या है आंसर? उत्तर प्रदेश। नाउ बच्चे, दिस वाज द डैश बजट प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन। बच्चे कौन सा बजट था जो निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया था? यस, दिस वाज द थर्ड बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, राइट? एंड बच्चे, इफ वी टॉक अबाउट दी फोकस दिस ईयर, बच्चे द फोकस ऑफ यूनियन बजट 2021 वाज ऑन व्हिच विजन? किस चीज पे था बच्चे फोकस? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, किस पे था बच्चे? आत्मनिर्भर भारत विजन या सेल्फ रिलायंस पे? वेरी गुड, आत्मनिर्भर भारत विजन, राइट? देन बच्चे आपको पता होना चाहिए दैट यूनियन बजट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यूनियन बजट वाज 2021 वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मेनली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो था बच्चे पार्ट ए में देयर वर 6 डिविजन। ठीक है, कौन से 6 डिविजन? 6 पार्ट्स थे, हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, reinvigorating the human capital, innovation and research and development, minimum government and maximum governance.
डिटेल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन बजट सेशन, मैं भी बच्चे ब्रीफ में आपको पूरा रिवाइज करवा रही हूँ. एंड पार्ट बी वाज कंप्लीटली ऑन टैक्सेशन, जिसमें आज तक कोई मेजर चेंज नहीं आया था. ठीक है, अब बच्चे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको वो ये याद रखना है दैट अगर मैं आपसे ये पूछूं, अभी हाईलाइटेड न्यू क्या है बच्चे, COVID-19 वैक्सीन. हाईलाइटेड पॉइंट लिखवा रही हूँ, COVID-19 वैक्सीन है. मुझे ये बताओ हाँ बच्चे, कितना मनी एलोकेट किया गया है फॉर COVID-19 वैक्सीन अंडर हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर. यस, कितना है बच्चे? 35,000 करोड़. कितना है बेटा? 35,000 करोड़, राइट. अगर मैं पूरा ओवरऑल देखू, ओवरऑल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, बच्चे ओवरऑल कितना है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो इट्स 2,23,846 करोड़, राइट. ये याद रखते हैं आपको. वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. सो बच्चे ये है आपका, जिसको अगर हम कंपेयर करें बच्चे तो इस बार ये है बच्चे ऑलमोस्ट 137% इंक्रीज हुआ है, राइट. चलिए बच्चे हम आत्मनिर्भर की बार बार बात कर रहे हैं, राइट. सो बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसको हमने अभी क्वेश्चन में भी पढ़ा था, इसके लिए कितना बच्चे बजट एलोकेट, कितना मनी एलोकेट किया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, कितना एलोकेट किया गया बच्चे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अभी क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, इट इज 64,180 करोड़, जिसका टर्म या बजट ड्यूरेशन इज 6 ईयर्स. ठीक है, क्लियर है बेटा. मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब बच्चे इसी में अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई की, जिसके लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था. जल जीवन मिशन मेनली अर्बन सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, विच इज द पार्ट अंडर द यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए बच्चे कितना बजट आउटले किया गया है. We don't have any idea, तो बच्चे इसको लिख लेना 2,87,000 करोड़. Yes, Yuvika, correct answer. क्या है बच्चे? Correct answer is 2,87,000 करोड़ होगा next 5 years के लिए बच्चे ये दिया गया है. ठीक है, इसी के साथ वन मोर स्कीम अंडर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत. अगर हम बच्चे स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत की बात करें, राइट, सो इसके अंडर बच्चे अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके अंडर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके लिए कितना बच्चे मनी एलोकेट किया गया है. टोटल फाइनल एलोकेशन कितनी है? 1,41,678 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. क्लियर है बेटा. स्क्रैपिंग पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं ब्रीफ में लिखवा देती हूँ. देन इसमें एक पार्ट था बच्चे स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो कि आपकी वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है टू फेज आउट द ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, राइट. तो बच्चे इसमें कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कितना टाइम रखा गया है, फॉर कमर्शियल व्हीकल्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर अभी क्वेश्चन भी पढ़ा हमने, After 15 years. And बच्चे personal vehicles, yes, after 20 years. Very good, right? ये scrapping policy थी. Then बच्चे clean air initiative के लिए, or you can say to control air pollution, इसके लिए कितना money allocate किया गया है in more than 42 urban centers, इसके लिए था 2,217 करोड़. ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक. नाउ बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं सिर्फ मेन पॉइंटर्स आपको लिखवा रही हूँ. कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें फॉर द ईयर 2021-2022, बच्चे कितना रखा गया है. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं
कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रखा गया है? यस 5.54 लाख करोड़, राइट, 5.54 लाख करोड़, विच इज 34.5% मोर देन लास्ट ईयर, राइट। लास्ट ईयर से बच्चे 34.5% एक्स्ट्रा है ये इस बार। चलिए बच्चे मुझे ये बताओ, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो बच्चे ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को कितना पैसा दिया गया है? प्लीज अ लिटिल स्लो। ओके बच्चे, बच्चे मनी एलोकेशन कितना हुआ है वो आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अगर इसकी हम बात करें, तो इसके लिए बच्चे कितना मनी एलोकेट किया गया है? इट्स 1,18,101 लाख करोड़, 1,18,101 करोड़। बच्चे बस इसके बाद ही कर रहे हैं हम मेनी क्वेश्चन, डोंट वरी बच्चे, यू नो ना देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड बच्चे यहीं पे रेलवे के लिए कितना है, रेलवे के लिए कितना है, तो रेलवे के लिए आपका ऑलमोस्ट इसी जितना बच्चे, थोड़ा बहुत अगर हम देखें इसमें कितना बच्चे रेलवे के लिए, इट्स 1,10,055 करोड़, राइट। पहले बच्चे रेलवे बजट अलग से आता था, यस यस। आगे बढ़े जल्दी से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बच्चे, एफडीआई हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर कितना इंक्रीज किया गया है? एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज्ड फ्रॉम 49% टू 74%, राइट, 49% टू 74%। नेक्स्ट बच्चे, इफ वी टॉक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल, दैट मींस जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है बच्चे, जो कंपनीज है गवर्नमेंट ओन कंपनीज है उनका प्राइवेटाइजेशन करना, तो बच्चे डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना पैसा ले सकते बच्चे, रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, मैं ये लिख देती हूँ इसको टू बी मोर क्लियर, रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कितना टारगेट किया है बेटा? Yes, बच्चे माधव, that is important. So, बच्चे कितना estimate किया है? 1,75,000 crores, right? So, ये estimate बच्चे आपको याद होना चाहिए. Then, if you remember, किसका IPO announce किया गया था बच्चे? IPO initial public offering, of LIC, right? ये announce किया गया था, that it will be carried out in 2021-2022. Clear है बेटा? ठीक है, देन बच्चे आपका वही वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान था, इसको बढ़ाना, देन स्टार्टअप इंडिया स्कीम फॉर एससी एसटी एंड विमेन, इसको भी इंक्रीज करना, राइट। देन बच्चे आपका स्वामित्व स्कीम फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स, ये सब अनाउंस किए गए थे, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चे आपके लिए। कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस वेरी क्विकली? लेकिन इसमें अभी कुछ और पॉइंट्स हम करेंगे, ये तो मनी एलोकेशन एंड एवरीथिंग हो गया, अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। मुझे ये बताओ, व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2021-2022, कितना एस्टिमेटेड फिस्कल है बच्चे? यस बेटा पूजा, इस तरह की क्लासेस करंट अफेयर्स स्पेशल सेशंस होते रहेंगे बेटा, बताइए बेटा। 6.8 ऑफ जीडीपी, 6.8% ऑफ जीडीपी, वेरी गुड। एंड बच्चे 2020-2021 का कितना था फिस्कल डेफिसिट? 2020-2021 में कितना था फिस्कल डेफिसिट, जो कि बच्चे एस्टिमेटेड से काफी ऊपर चला गया था? 9.5% ऑफ जीडीपी, 9.5% था बच्चे, ठीक है। ग्रॉस बोरोइंग्स की बात करें तो बच्चे 12 लाख करोड़ का रखा गया है, राइट। एंड बच्चे टैक्सेस की अगर हम बात करें, आज कुछ बच्चे कोई मेजर चेंज टैक्सेस में आया नहीं है। एंड बच्चे मोर इंटरेस्टिंगली देयर वर टू क्वोटेशंस जिनको कि बच्चे इसमें प्रेजेंट किया गया था, मैं दोनों क्वोटेशंस बोलती हूँ, आप मुझे बताना कौन सा क्वोटेशन किसने दिया था, राइट। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड थिंक्स व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क,
गैस बताइए बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड। अनदर क्वेश्चन वाज देयर व्हिच वाज अ किंग अ रूलर इज द वन हु क्रिएट्स एंड एक्वायर्स वेल्थ प्रोटेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट फॉर कॉमन गुड। अ किंग और रूलर इज द वन हु क्रिएट्स एंड एक्वायर्स वेल्थ प्रोटेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट फॉर द कॉमन गुड। ये किसने दिया था? Yes, क्या है बच्चे आंसर? तिरुकुल्लर, राइट। क्योंकि ये बच्चे दो कोटेशन वर देयर इन द बजट, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं दोबारा से अपनी पीपीटी पे जल्दी से, राइट। तो हमारा 40th क्वेश्चन ये था मेडिसिन। 10 मोर क्वेश्चंस एंड देन वी विल डू द मेंटी क्विज। चलिए जल्दी से देखते हैं अपना 41st क्वेश्चन। एंड 41st क्वेश्चन है, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए जल्दी। नॉट 10 बजे और एक्चुअली 20 मोर क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम, राइट। सो डेविस कप इज एसोसिएटेड और रिलेटेड टू टेनिस, वेरी गुड, यू ऑल नो द आंसर। नाउ बच्चे ये रीसेंट है तो आपको आते ही होंगे। विच टू कंट्रीज कोलैबोरेटेड रिसेंटली टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इन 30 seconds? रैपिड टेस्टिंग जल्दी बताइए बच्चे। क्या है बेटा आंसर? यस, इंडिया एंड इजराइल, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43rd। दिस क्वेश्चन इज ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर टू विन एन ओलंपिक गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग, कौन है बेटा? हु इज द ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर टू विन एन ओलंपिक गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग? यस, करेक्ट आंसर इज लुई शाओजुन, राइट। क्या है आंसर? लुई शाओजुन, राइट, डी ऑप्शन। बच्चे फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री इज फ्रॉम विच कंट्री? तो बच्चे इज अ चाइनीज वेट लिफ्टर, राइट, चाइनीज वेट लिफ्टर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। First female swimmer to win 7 medals in a single Olympic event, which is very important. कौन है? हाँ जी बच्चे, क्या है आंसर? बच्चे आप पूछो, मैम एज क्या है? बच्चे देखो, अगर हम बात करते हैं वैसे, अगर हम ये जो आपका बच्चे आंसर है, ये 37 years old है बच्चे, बट वैसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन 7 मेडल्स इन अ सिंगल, यस, क्या है आंसर? ईमा मैक्योन, राइट, ईमा मैक्योन। ये कौन सी कंट्री की है बेटा? यस, ऑस्ट्रेलियन स्विमर है, ऑस्ट्रेलियन स्विमर है विजय, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये बताइए, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, राइट, दोनों का ही है बच्चे, क्योंकि दोनों में ही सेम है। विच कंपनी इज रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यूज इन अ फिस्कल ईयर, क्या है आंसर? वॉलमार्ट, वेरी गुड। बच्चे इसका क्या आंसर है? वॉलमार्ट। एंड बच्चे, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर देयर इन द लिस्ट? हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर देयर इन द लिस्ट? सेवन, वेरी गुड। क्या है आंसर बेटा? सेवन। एंड आउट ऑफ दीज 7 इंडियन कंपनीज, टॉप पे कौन सी कंपनी है बच्चे? रिलायंस। बच्चे वो उरुण था बेटा, वो उरुण लिस्ट थी अनन्या, दैट वाज उरुण, दैट वाज उरुण, ठीक है, यस, 7। एंड उसमें से टॉप पे कौन सी है? रिलायंस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च अ 1 year जॉइंट इनिशिएटिव ऑन एंडिंग, just a second beta, is the screen visible? Okay, yes, so UNICEF India has partnered with which organization to launch a 1 year joint initiative on ending violence against children? Kya hai beta answer? Ye kafi recent questions hai, aapne bache ye zarur dekhe honge. करेक्ट आंसर क्या है? फेसबुक, वेरी गुड। बच्चे यूनिसेफ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ?
नो बच्चे, यूनेस्को का है बेटा वो, यूनिसेफ का कहाँ है, न्यूयॉर्क। बच्चे पेरिस में किसका है, यूनेस्को का। तो बच्चे यूनिसेफ इट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, राइट। तो जिसको कि पहले हम बोलते थे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, विच इज नाउ नोन एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, राइट। तो बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इट्स इन न्यूयॉर्क, राइट। चलिए बच्चे डोंट गेट कंफ्यूज, यूनेस्को का है इन पेरिस, यूनिसेफ इज इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बच्चे, द इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप टू हेल्प द पैसेंजर्स। बच्चे इंडियन रेलवे ने कौन सी ऐप लॉन्च की है टू हेल्प इट्स पैसेंजर, रेल मदद, वेरी गुड। क्या है आंसर, रेल मदद, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच नेशनल पार्क हैज बिकेम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन। बच्चे किस नेशनल पार्क में सैटेलाइट फोन्स जो है बच्चे वो इंस्टॉल किए गए हैं, इट बिकेम द फर्स्ट वन टू हैव दैट। यस, क्या है आंसर, काजीरंगा नेशनल पार्क। बच्चे इट इज इन विच स्टेट, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। वेरी गुड आंसर, इट्स इन असम, राइट। काजीरंगा इट्स इन असम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नाउ बच्चे ये बताओ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ डीजल। इम्पोर्टेंट बच्चे ये भी बताइए, क्या है आंसर। यस बेटा आर्यन, यस द करेक्ट आंसर इज बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेरी गुड। क्या है आंसर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, विद विच ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज पार्टनर्ड विद टू सेलिब्रेट इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। बताइए बेटा किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनेस्को ने पार्टनरशिप की है टू सेलिब्रेट इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज, एंड आंसर इज बच्चे नेटफ्लिक्स। अब मुझे ये बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। नाउ टेल मी, यस इसका क्या है आंसर बच्चे, नेटफ्लिक्स, सॉरी इसका क्या है आंसर बच्चे, पेरिस। बच्चे नाउ टेल मी अबाउट नेटफ्लिक्स, अगर हम बात करते हैं बच्चे नेटफ्लिक्स की, तो बच्चे नेटफ्लिक्स इज अंडर विच कंपनी। नेटफ्लिक्स किसका पार्ट है बच्चे, देखो नेटफ्लिक्स के को फाउंडर की अगर हम बात करें तो दैट इज रीड हेस्टिंग्स, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, रीड हेस्टिंग्स, राइट, जो कि अभी भी बच्चे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, दी को फाउंडर एंड चेयरमैन, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो बच्चे आप ये कह सकते हो दैट नेटफ्लिक्स इज बेसिकली, वी ऑल नो दैट इट्स एन इज दी ओटीटी कंटेंट प्लेटफॉर्म, राइट, इट्स दी ओवर द टॉप कंटेंट प्लेटफॉर्म, राइट। एंड बच्चे इसमें आपको मेनली जो याद रखना है दैट इज बच्चे इंपॉर्टेंट नेम ऑफ दी फाउंडर, राइट। कौन है बच्चे, रीड हेस्टिंग्स, ये वन ऑफ द फाउंडर है। दूसरे जो फाउंडर थे बच्चे, अनदर फाउंडर वाज मार्क रेंडॉल, राइट। मार्क रेंडॉल बच्चे चेयरमैन एंड को सीईओ सेम रीड हेस्टिंग्स है। इनके अलावा बच्चे ट्रेड सारेंडॉस भी हैं जो कि सीईओ है, राइट। क्लियर है बेटा, चलिए यस बच्चे, यस यस आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 51st क्वेश्चन, 10 और बच्चे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। हां जी, थॉमस बैनर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम अहेड ऑफ द एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ दिस इवेंट। बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, होस्टिंग कंट्री पूछा जा रहा है आपसे फॉर वुमेन्स एशियन कप, एशियन कप 2022। वी ऑल नो द आंसर, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट बच्चे ये बताइए,
ग्रीनलैंड विच इज द आर्कटिक टेरिटरी बिलोंग टू विच कंट्री? बच्चे इट वॉज रिसेंटली न्यूज, राइट? तो बताओ बच्चा क्या है आंसर? चलिए क्या है आंसर बच्चे? यस, डेनमार्क, राइट? तो बच्चे अगर आपने देखा हो न्यूज में भी था, राइट, दैट रेन फेल ऑन दी ग्रीनलैंड आइस शीट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर नोन, राइट? एंड बच्चे यहाँ पे आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड मैम, जो आपने मनी वाले टॉपिक बताए फिस्कल डेफिसिट हेल्थी इम्पोर्टेंट. यस यस बच्चा, हाँ जी बच्चे गौरव, यस बेटा विधि. चलिए 53rd देखते हैं जल्दी से. नाउ 53rd क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें बच्चे 53rd की, बच्चे आप कह रहे हो कि मैम व्हाई इट वाज इन न्यूज. बच्चे अभी अगर हम बात करें सितंबर में ये न्यूज में था, 10 days back, I think 12 or 13 से न्यूज में था, जब एक्सपर्ट ने बच्चे कहा वॉर्न किया दैट फर्स्ट एवर रेन वॉज शोन इन दी ग्रीन लैंड आइस शीट, राइट, विच शोज द रिस्क ऑफ हाई क्लाइमेट चेंज. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम रेन पोर्ड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्रीनलैंड आइस, राइट, आइस शीट. आगे बढ़े, चलिए. ला गणेशन स्वॉन इन एज द 17th गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो बच्चे रिसेंटली अपॉइंटेड सीएम एंड गवर्नर्स आपको याद होने चाहिए, राइट? क्या है आंसर बच्चे इसका? मणिपुर. बच्चा मुझे ये बताओ गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंटेड बाय, नॉट सीएम, प्रेसिडेंट. बच्चे सीएम को इनफैक्ट गवर्नर अपॉइंट करते हैं, राइट? चलिए 54th क्वेश्चन, ये बताइए दैट विच एशियन कंट्री हैज पास्ड अ बिल क्रिमिनलाइजिंग द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ? बच्चे यहाँ एक बार देख लेना, पूर्णिमा क्वेश्चन आ सकता है. यस, क्या है आंसर? पाकिस्तान, वेरी गुड. यस बच्चे आदित्य मेन वन ओनली, आदित्य से ओनली द मेन मिनिस्टर्स. चलिए नाउ 55th, विच नेबरिंग कंट्री इज द फर्स्ट टू अडॉप्ट इंडियाज भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम? बताइए, वेरी गुड. क्या है आंसर? भूटान. बच्चे जो इंडिया का भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको किस कंट्री ने अडॉप्ट किया बच्चे? फर्स्ट नेबरिंग कंट्री टू अडॉप्ट दिस सिस्टम इज भूटान, राइट? नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी. इंडियन रेलवेज फर्स्ट 5-star होटल अटॉप ऑफ द रेलवे ट्रैक हैज बीन बिल्ट इन दिस स्टेट? बच्चे कौन से स्टेट के एक रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के ऊपर 5-star होटल बनवाया गया है? क्या है आंसर? गुजरात. एंड बच्चे ऑन विच रेलवे स्टेशन, विच रेलवे स्टेशन? बच्चे गांधीनगर, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 4 questions. जल्दी से मुझे ये बताइए विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्टिंग किट नेम कोवी होम? बच्चे कोवी होम टेस्टिंग किट किस आईआईटी ने डेवलप की है? क्विकली टेल मी द आंसर. वेरी गुड. क्या है आंसर? आईआईटी हैदराबाद. वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज आईआईटी हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज किसान सारथी व्हिच हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर? बच्चे किसान सारथी क्या है? नहीं बच्चे इट्स नॉट एन स्कीम, इट्स नॉट एन स्कीम. द करेक्ट आंसर इज इट्स अ पोर्टल, इट्स अ डिजिटल पोर्टल. ठीक है, इट्स अ डिजिटल पोर्टल. वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं 59th, लास्ट देन यू स्टार्ट द मेंटी क्विज. Which country has launched the high-speed maglev train? Very important. Which can attain a top speed of 600 kilometers per hour? बताइए बेटा. क्या है आंसर? Yes, क्या है बच्चे आंसर? चाइना. वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज चाइना. नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल डू मेंटी क्विज. Which country holds the G20 presidency in 2021? Bata, what is the answer?
एंड द करेक्ट आंसर इज इटली. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज इटली एंड विच इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इटली. नाउ टाइम फॉर मेंटी क्विज. राइट बच्चे जल्दी से आप मेंटी क्विज के लिए ओपन कीजिए. गो टू www.menti.com एंड बच्चे वेट फॉर द कोड. लेट मी जस्ट क्विकली शेयर. हाँ जी बच्चे वो भी एक बार रीड कर लेना बेटा. नाउ टाइम फॉर मेंटी क्विज. बच्चे आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. सो बच्चे व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू www.menti.com. बच्चे मेंटी क्विज करके देन ओवर. सो द कोड इज 8649518. बच्चे ओपन द ब्राउजर. गो टू www.menti.com. यूज द कोड 8649518. And then we'll start the mentee quiz and we'll do it very quickly. Sure, Vijay? We'll try, Naman. We'll try, beta. Shivani, Vijay, 6:17 ho raha hai. Maybe till 6:45. Maybe till 6:45. Chaliye, start karte hai, Vijay. I can see most of you have joined the mentee quiz. I'm repeating again how to join. What you need to do is, bache, you need to open the browser, go to www.menti.com and use the code 8649518. 8649518. Yes, bata, I'm waiting with you. Jaldi se kijiye. The code is 8649518. You can see the code at the top, middle top of the screen. You can see the code. Waiting for all of you to join. Jaldi se join kijiye. Chale, I can see so many people have already joined. So the code is 8649518. Right? So bache, abhi tak agar aapko lagta hai ki humne aaj jitni bhi cheeze revise ki, bache, we have revised more than 200-300 facts in today's session. Right? Agar aapko lagta hai, ma'am helped you a lot in revising so many facts and the most important facts for your DUET exam, then please show your love and support by liking the video, sharing the video, subscribing the channel, and most important, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of other, all the upcoming videos, right? So the code is, it's 8649518, right? So 8649518. Bache, chaliye, start karte hain. Yes, okay, now let's start. So, hamara pehla question of the mentee quiz is, and the question is, currently India assumes UNSC presidency, which of the following countries as the presidency before India? We know August 2021 mein India ke paas thi, usse pehle, kis country ke paas thi? And time's up, the correct answer is France. Very good, right? Most of you have given the correct answer. Dekhte hain. किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर एंड लीडरबोर्ड इज हियर. ओके सो वी हैव द टॉप 10 नेम्स ऑन द स्क्रीन एंड प्रज्ञा इज एट द टॉप बाय गिविंग द फास्टेस्ट आंसर. वेरी गुड. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द मेंटी क्विज इज, मेंटी जी पेश किया जाए. एंड द क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिपोर्टेड इट first case of Zika virus in India. Vijay, quickly tell me the answer. Time's up. 3, 2, 1. Time's up. And the correct answer. I have mixed answers here, but I'm glad. And most of you have given the correct answer, which is Maharashtra. Vijay, isme thode different question honge. The main purpose of today's session was to revise maximum facts, right? Dekhte hain leaderboard pe kya pragya apni position barkarar rakhe hue. But मुझे टॉप 10 में ही नाम नहीं दिख रहा. एंड देखते हैं बच्चे who's got the top by giving the fastest answer. And fastest answer दिया है दो लोगों ने, मेधा कक्कर and one more with the name. हार नहीं मानूंगा बच्चे, प्लीज यूज योर रियल नेम. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. And the question is, who among the following has been recently elected as president and CEO of Procter & Gamble?
एंड टाइम्स अप, देखते हैं मिक्स आंसर्स है यहाँ पे। राइट एंड करेक्ट आंसर है जॉन मॉयलर, राइट से हम ऑलरेडी बच्चे हैंडआउट में पीएमएस स्पेशल में भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट मिक्स आंसर्स गाइस, यू नीड रिवीजन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द मेंटी क्विज। सो विल सी द लीडर बोर्ड आफ्टर एवरी फाइव क्वेश्चन। यस, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ब्यूटी स्टार्टअप नायका। It was in news, right? So, क्या है बच्चे आंसर? And the correct answer is फाल्गुनी नायर। Very good, and most of you have given the correct answer. Next question देखते हैं of our mentee quiz, and question number fifth of our mentee quiz is India Russia started the 12th edition of joint military exercise called Indra, which of the following cities, which has finally concluded? Thank you so much for your lovely words, Vidhi. Time's up, and we'll see the correct answer. Mixed answers, guys. What you guys are doing, right? So, बच्चे इंडिया में नहीं हुआ था, right? So, Volgograd is the correct answer. Next देखते हैं बच्चे, next question. Now we'll see the leaderboard, right? And देखते हैं यहाँ पे who's at the top. And there are so many different names, guys. अपने please real name use किया करो बेटा. एंड यहाँ पे फास्टेस्ट आंसर दिया है रोनाल्डो ने, बट ओवरऑल स्कोर के साथ आफ्टर फाइव क्वेश्चन टॉप पे वी हैव मीता। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके वैभव, ओके बेटा। नाउ सिक्स क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोटो जीपी, देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर, कितने स्टूडेंट्स दे पाते हैं। एंड टाइम्स अप, and the correct answer is most of you have given the correct answer, which is John Abraham, right? And देखते हैं बच्चे next question, question number seventh of our mentee quiz. Yes, which forces has recently inducted its first women staff in combat? बच्चे बताइए, ITBP, BSF, CRPF, CISF. And time's up, देखते हैं mixed answers. And the correct answer is ITPP. Guys, revise your CA handouts, PMS special handouts, right? Most of the questions are from there only, right? So please do revise your current affairs handouts and PMS special GA handouts. चलिए next देखते हैं, next question mentee जी पेश कीजिए, question number eight, and the question is which agency has adopted a political declaration to end AIDS by 2030? कुछ आपके बच्चे क्वेश्चनर में से भी है यहाँ पे क्वेश्चन। एंड टाइम्स अप, इस तरह की डिक्लेरेशन ऑब्वियसली कौन करेगा, राइट? तो बच्चे यहाँ पे आपने सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान दिया, विच इज एड, आपने रिलेट किया इसको हेल्थ से, बट बच्चे दिस डिक्लेरेशन वाज नॉट डन बाय WHO, बट इट वाज डिक्लेयर्ड इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, राइट? सो बच्चे आंसर है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। चलिए इसके साथ एक क्वेश्चन मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? वेरी गुड आर्यन, क्या है आंसर? अब्दुल्ला शाहिद, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? एंड टाइम खत्म होते हुए 3, 2, 1, टाइम्स अप, एंड वी विल सी, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, मे बी बिकॉज वी हैव रिवाइज दिस पॉइंट सो मेनी टाइम्स इन द सेशन, इन द क्लासेस एंड एवरीथिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज हेल्थ अगरवाल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ आवर मेंटी क्विज, एंड द करेक्ट आंसर, oh sorry, the question is the nation, which nation's railway is working to become the world's largest green railway network? And time khatam hote hue 3, 2, 1, and the correct answer is India. Very good, chaliye dekhte hain finally the leaderboard after 10 questions, and kya Medha Kakkar apni top position barkarar rakh payi ya koi aur hai jo top aayega? And वेरी गुड मेधा, मेधा ने दिया है फास्टेस्ट आंसर, एंड अभी भी अपनी टॉप पोजीशन
बरकरार रखे हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन इज, मेंजी जी पेश कीजिए, व्हिच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड इन 2021 ग्लोबल लिवेबल रैंकिंग। एंड टाइम्स अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑकलैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ आवर मेंटी क्विज इज, Who has became the world's fastest women to scale Mount Everest? Who became the fastest women to scale Mount Everest? And time khatam hote hue, time's up. Dekhte hain kis kis ne diya hai correct answer. Shanginu is the correct answer. Very good, very good. Yes, correct answer. And bache next question dekhte hain jaldi se. The question number 13 of our mentee quiz. नहीं नहीं बच्चे, वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क, ये था क्वेश्चन, आंसर इज इंडिया ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मेंटी जी पेश कीजिए, एंड द क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस द वर्ल्ड फर्स्ट वुड सैटेलाइट वीजा वुडसैट। बच्चे किसने अनाउंस किया है टू लॉन्च वीजा वुडसैट, इट इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट अनाउंसमेंट, एंड द करेक्ट आंसर नॉट जापान गाइस कंफ्यूज हो गए। आंसर इज न्यूजीलैंड। मैं फिर से पॉइंट बताती हूँ, रिमेम्बर द फर्स्ट कंट्री जिसने अनाउंस किया था दैट दे विल डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट, दैट वाज जापान। लेकिन जापान की सैटेलाइट अभी बनी रही है जो कि 2030 तक लॉन्च होगी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच कंट्री हैज अनाउंस टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुडसैट, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड है, फिनलैंड ने डेवलप की है, किस कंट्री ने अनाउंस किया इसको लॉन्च करने का, तो वो कौन सी कंट्री है, न्यूजीलैंड। डोंट गेट कंफ्यूज बाय सच क्वेश्चंस, क्लास में भी मैंने बच्चे क्लियर किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेन क्वेश्चन। बच्चे अब हम लीडर बोर्ड डायरेक्ट 20th क्वेश्चन की बात देखेंगे। इंडिया इंटेंड्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस बाय व्हिच ईयर, and time's up, correct answer is 2030, very good. Next question dekhte hain, question number 15th of our mentee quiz. Guys, focus on answer. Right, which country recently tested an airborne high power laser that can shoot down drones? Bataiye answer, and time khatam hote hue, time's up. Very good, kya hai answer, Israel, very good. Next question dekhte hain, एक्चुअल मैराथन तो आपका अभी चल रहा है, राइट, मेंटी क्विज मैराथन। एंड द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ आवर मेंटी क्विज इज, एज पर प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एन ई कॉमर्स एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद व्हिच बॉडी। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे पहले देखे गए हैं, एंड करेक्ट आंसर इज डीपीआईआईटी, वेरी गुड, राइट, करेक्ट आंसर डीपीआईआईटी, वेरी गुड। बच्चे 20th के बाद देखेंगे वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, and the 17th question of our mentee quiz is, composer of the official theme song of the Indian Olympics team of Tokyo 2020, and the correct, the times, budget times up, and the correct answer of this question is Mohit Chauhan, very good. Next question dekhte hain, another question, question number 18, and the question is, which vaccine maker has sought emergency use approval from Indian drugs regulator to its Zycov D? Bataiye bache, final stages pe, yes, correct answer, yes, kya hai beta, correct answer Zydus Cadila, very good, very good. First needleless vaccine COVID-19 vaccine, first DNA based COVID-19 vaccine, right, kaun si hai, Zycov D, very good. Next dekhte hain beta, next question, question number 19 of our mentee quiz is, yes beta, first plasma vaccine, yes, new civil aviation minister, jaldi se bataiye, time khatam hote hue, 3 2 1, time's up, and dekhte hain kitne students ne diya hai correct answer, very good, Jyotiraditya Sindhya is the correct answer, and bache hum dekhenge next question, 20th question, then we'll see the leaderboard, and then we'll see the leaderboard after all the questions, that is after the
ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग 2020 किसको मिला है? ऑप्शन आपके सामने है, टाइम खत्म होते हुए, 3, 2, 1, टाइम्स अप। एंड द करेक्ट आंसर इज, वी हैव मिक्स्ड आंसर्स बट आई एम ग्लैड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर व्हिच इज डीबीएस बैंक। वेरी गुड। नाउ बचे द लीडर बोर्ड, क्या मेधा कक्कर अभी भी अपनी पोजीशन संभाले हुए? आई कैन सी यस, राइट, बट देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का फास्टेस्ट आंसर कोई और देके रिप्लेस करेगा। तो आंसर इज नो, फास्टेस्ट आंसर दिया है चिराग अग्रवाल ने, बट टॉप पोजीशन अभी भी कौन संभाले हुए हैं? मेधा कक्कर। वेरी गुड मेधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एंड द क्वेश्चन इज, Which country has banned construction of skyscrapers that are taller than 500 meters? And time khatam hote hue, time's up. Dekhte hain kya hai answer. Yes, kya hai beta answer? China. New jet ke baad hamara safar khatam ma'am. Nahi nahi beche, current affairs ke sessions to chalte rahenge. Jab bhi ma'am se milne ka man kare, baaki faculties se milne ka man kare, YouTube sessions se to hum log yahi beche. Aap Instagram pe beche hame follow kar sakte hain. प्रथम अंडरस्कोर टेस्ट प्रेप के नाम से, राइट, फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, प्रथम डॉट लीड टू वे, राइट। तो बच्चे देयर आर सो मेनी वेज टू बी कनेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमन सिंह, मैं तो आऊंगा भाई करंट अफेयर्स के लिए। ओके सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3-dose COVID-19 वैक्सीन? एंड ऑप्शंस आर हियर। And time khatam hote hue, time's up. Dekhte hain kitne bachon ne diya correct answer. We have mixed answers. And the correct answer is Zycoff D, right? वैसे दो है, but कोई बात नहीं, the most. बच्चे इसमें दो आंसर आपके हो सकते थे, आगे देखते हैं. And okay, sorry. I forgot कि हमें leaderboard बाद में देखते हैं. After 30 question, right? So question number 23 is, Menti ji पेश कीजिए. First Indian women to pilot an aircraft. First Indian women to pilot an aircraft and time to the motivate time clock. देखते हैं what is the correct answer. So बच्चे यहाँ पे दो correct answer है. It's बच्चे सरला टुकराल, question में लिखा है who was the, बच्चे news में थे इसलिए, right. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next question. Question number 24th of our mentee quiz is, and the question is there on the Green. Expansion of CDN with reference to the recent global internet outage. Which, what is the full form of CDN? Jaldi se dekhiye and answer kijiye. And time's up. And bache correct answer is content delivery network. Next question dekhte hain, which is question number 25, right? And bache okay, beta dekhte hain. That to sab kuch theek hai beta. Apni taraf se ek bar network check kar lo. हाँ जी बच्चे, सिग्नल राइवल मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर को किसने एक्वायर किया है बेटा? तो विकर हैज बीन एक्वायर्ड बाय, एंड बच्चे करेक्ट आंसर इज अमेज़न, व्हिच इज द राइवल मैसेजिंग एप्लीकेशन फॉर सिग्नल। यस यस, अमेज़न वेब सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ आर Menti quiz is, what is Mayflower 400 which was making news recently? And time khatam hote hue, time's up. Kya hai bache ye? And yes, Mayflower 400 is artificial intelligence ship, right? Kisne banaya bache this ship? Mayflower 400, our first artificial intelligence ship of the world. World ki pehli artificial intelligence ship with the name Mayflower 400. It has been developed by, नहीं नहीं बच्चे गौरी का एकदम से नहीं होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th क्वेश्चन, Which e-commerce major has acquired ClearTrip? And time's up. So correct answer is Flipkart, right? Correct answer is Flipkart. Very good. आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं.
Okay, now the next question of our Minty quiz is, which company has acquired the delivery startup Daily Joy? And time khatam hote hue. Time's up. And bache, dekhte hain kis kis ne correct answer diya. Very good. Most of you have given the correct answer. Now we'll see the second last question of today's Menti quiz. And bache, 29th question is, हेडक्वार्टर ऑफ दी सार्क इज लोकेटेड एट, बताइए बच्चे. एंड टाइम्स अप, देखते हैं कितनों ने दिया है करेक्ट आंसर. एंड मिक्स्ड आंसर्स बच्चे. सो अगर हम बात करते हैं बच्चे सार्क की, विच इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन राइट, जिसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है बेटा. So basically, SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation, right? अगर हम इसकी बात करें, जिसकी member countries are India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, right? And बच्चे अगर हम बात करें इनकी, right? तो बच्चे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो अभी बच्चे जो आपका SAARC meeting होनी है आपका, basically ये है. क्यों ये question यहाँ पे बच्चे, क्योंकि इसको लेके ये इशू चल रहा था दैट क्या तालिबान को रिप्रेजेंट, क्या तालिबान रिप्रेजेंट करेगा अफगानिस्तान को इतनी SAARC मीटिंग राइट. तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए. यस यस बेटा, यस पाकिस्तान वांटेड तालिबान टू अटेंड. वेरी गुड. नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी बच्चे, अभी बताती हूँ यश. लास्ट क्वेश्चन देख लो, दिन में आपको व्हाट्सएप वाला फिर से बताऊंगी. ठीक है, नाउ 30th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेस मेंटी क्विज. लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज वाज ओपन इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज वाज ओपन इन. एंड बच्चे करेक्ट आंसर इज एम्स्टरडम बच्चे, राइट बच्चे. पूरी जीए टीम काम करती है याचिका. Right, so yes, बच्चे क्या है आंसर, Amsterdam. Now we'll see the final leaderboard. देखते हैं क्या मेधा अपनी टॉप पोजीशन पर खड़ा रख पाई, और क्या राघव सेठिया की जगह हमारे पास न्यू विनर होगी मेधा कक्कर. And I can see that, right? So बच्चे मेधा कक्कर is the winner of today's mini quiz with the total points of 27,449. Congratulations, मेधा. Congratulations to all the top rankers. बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें लीडरबोर्ड पे, फर्स्ट पे है मीरा कक्कर, सेकंड पे रोनाल्डो, देन अनन्या, देन वी हैव वैभव गोकुल, देन हार नहीं मारूंगा, देन अभिनव, राधिका, नमन, जतिन एंड स्पर्श. कांग्रेचुलेशंस एवरीवन. एंड बच्चे अगर आप इनमें, आप अगर उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनका 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस करेक्ट थे, राइट. सो बच्चे यू आर डूइंग गुड, इट्स जस्ट दैट यू गाइस नीड रिवीजन, राइट. बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा सा बच्चे और अपना लास्ट मोमेंट पे ब्रशअप कीजिए सारी चीजें बच्चे, जितनी हमने की है रिवाइज कीजिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो मैंने आपको मटेरियल बताया कि लास्ट मिनट रिवीजन आपको कहाँ से करना है. मयंक रैंक से बच्चे यहाँ पे मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे भी डिपेंड करता है आपका, मैटर करता है यहाँ पे एक्यूरेसी. ठीक है, एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट. ठीक है, चलिए बच्चे. वैसे तालिबान कैबिनेट पे ऐसे बच्चे क्वेश्चन आएगा नहीं. एंड बच्चे जो प्राइम टाइम 73rd आपका एमी अवार्ड भी हुआ है, उसपे भी ऐसे बच्चे कोई मेजर वो नहीं दिखेगा. सो नमन, आपकी ये जो दोनों क्वेश्चन है, प्लस दो स्टूडेंट हु आर आस्किंग कि मैम हम लोगों का जो सेप्टेम्बर का करंट अफेयर्स है वो यूट्यूब सेशन के अलावा हम कहाँ से कवर करेंगे, तो बच्चे उसके लिए देयर विल बी अ डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑन योर PSIS अकाउंट. ठीक है, तो बच्चे वो आपको करना है, तो बच्चे PSIS अकाउंट पे आपका जब होगा तब मैं आपको बच्चे मैसेज ड्रॉप कर दूंगी ऑन योर PI टेलीग्राम ग्रुप. आप देख सकते हो करंट अफेयर्स में ही मिल जाएगा आपको. ठीक है, सो बच्चे इसी के साथ आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू एंजॉय द सेशन. बच्चे यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू द क्लाइंट सर्विसिंग टीम, राइट. इसी के साथ बच्चे I think in this, you know, 2 hours and 40 minutes, we revised more than or approximately more than 400 facts, right? हमने बच्चे आराम से
सारे फैक्ट्स विद रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस, बजट फैक्ट्स एंड बीच में बच्चे जो मैं स्ट्रेटजी के बिजनेस अवेयरनेस क्वेश्चंस देन दिस मेंटी क्विज, हमने आराम से मोर देन 400 फैक्ट्स रिवाइज किए हैं. दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, राइट? एंड बच्चे अपना रिवीजन जरूर करके जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स विजय. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. इफ यस, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. जो हमारे साथ प्रथम स्टूडेंट नहीं है उनके साथ भी शेयर कीजिए. इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डीयू चैट, राइट? एंड विजय, डू वेल इन योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट, राइट? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. डू वेल इन योर एग्जाम. इसी के साथ विजय आज अलविदा लेने का टाइम आ गया इस सेशन से. बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स. थैंक यू. बाय एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर. स्टे सेफ. स्टे हेल्दी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 दिन बचे हैं. सो कीप रिवाइजिंग. गिव मार्क्स, राइट? ऑल द बेस्ट.